हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा Yeah.
जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपा जय प्रभुपा जय प्रभुपा प्रभुपा जय रूपा जय श्रील प्रभुपा जय प्रभुपा 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 श्रील प्रभुपा नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परमाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट सच्चिदानंदमय श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप द्वारकापुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय। संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार करने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि नमो विष्णुपदाय नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरुक्तिशे नमः नमो ब्रह्मण्य दिवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये ततो जयं
भद्रेषु नश्यकालेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमहाविष्णुस्थापितं येन भूतले सोऽयं भूतः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजानं सहनाथानृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाकान्ताश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगतपते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज की कथा प्रारंभ करने से पहले कल वाली कथा का रिवीजन कौन करवाएगा? और सुनो तो और कोई चाहे महाप्रभु गंगा नदी के तट पे गए थे तो गंगा नदी उनसे कैसे मिलने के लिए उतावली हो रही थी इस बारे में हमने सुना। पहले तो वो उछल उछल करके महाप्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए आई, फिर उनके घुटनों तक गंगा मैया आ गई। और भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने और लहरों से शब्द करके महाप्रभु से वार्तालाप किया और मूर्तिमती गंगा देवी भी सामने आकर के महाप्रभु के खड़ी हुई। महाप्रभु ने अपना चरण स्पर्श कराया गंगा देवी के ऊपर। तट पर एक ब्राह्मण निवास करते थे जो चैतन्य महाप्रभु का तत्व जिन्होंने सुना था जानते थे। उनकी एक बड़ी विचित्र अभिलाषा थी कि वो गंगा देवी का गौरांग के साथ दर्शन करना चाहते थे, तो वो भी वहीं उपस्थित थे। उन्होंने ये दृश्य देखा, केवल वो और चैतन्य महाप्रभु ही गंगा देवी मूर्तिमान गंगा देवी का दर्शन कर पाए, तो उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई, गदगद हुए। और तब उन्होंने गंगा देवी का प्राकट्य भी सुनाया। गंगा का प्राकट्य तब हुआ जब एक बार महेश कीर्तन कर रहे थे, नारद मुनि वाद्य यंत्र बजा रहे थे, गणेश जी भी वाद्य यंत्र बजा रहे थे, बहुत घनघोर कीर्तन हो रहा था। तब उस जगह पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये कीर्तन बंद करो, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस कीर्तन की क्या विशेषता है।
इस कीर्तन को जब तुम करते हो तो मेरा देह पिघलने लगता है, इसलिए बंद करो इसको। शिव जी तो ये सुनकर के और खुश हो गए कि हम भी इसे देखें, तो उन्होंने और उत्साह के साथ में कीर्तन प्रारंभ किया और देखा कि भगवान कृष्ण का देह पिघलने लगा, वो द्रव्य ब्रह्म में कन्वर्ट हो गया और वही द्रव्य ब्रह्म कारुण्य जल कहलाता है, कारण सागर कहलाता है। वो कारण सागर बलि महाराज के आंगन में जब वामन देव आए थे भिक्षा मांगने के लिए, तीन पग भूमि मांगी, तो पहले ही पग में जब उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया तब उनके नाखूनों के एक सिरे से ब्रह्मांड में छेद हो गया और यही कारण सागर का जल वामन देव के चरण को स्पर्श करते हुए इस ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने देखा और उसी जल को भर के वामन देव के चरण कमलों की स्तुति की, उसका अभिषेक किया और फिर भागीरथ के माध्यम से इस धरातल पर भी हमको गंगा देवी का दर्शन प्राप्त होता। उसके बाद महाप्रभु ने डिसाइड किया वहाँ पे गंगा तट पर इस तरीके से स्तुति गान चल रहा था, महाप्रभु का तत्व प्रकाशित किया जा रहा था, महाप्रभु वहाँ से चले गए। उन्होंने सोचा कि सबको मालूम चल जाएगा, फिर उन्होंने जाकर के घर पे और सोचा कि अब मुझे बांग्लादेश में जाना है जहाँ पे पांडवों ने जिस जगह को नहीं छुआ, अपने चरण स्पर्श नहीं किया, वहाँ पर गंगा नदी नहीं बहती है ऐसा लोगों का भ्रम है। गंगा तो है लेकिन वो पद्मावती के नाम से जानी जाती है। वहाँ जाकर के प्रचार करूँगा, गंगा की महिमा को स्थापित करूँगा। इस तरीके से वो घर से बाहर चलने लगे। शची माता को उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि मुझे जाना है। शची देवी को उन्होंने बताया कि मैं धन अर्जित करने के लिए जा रहा हूँ। वास्तव में महाप्रभु का धन है, पापियों का पाप जब वो हरण कर लेते हैं तो पाप ही उनका धन है, उसको कमाने के लिए महाप्रभु इधर से उधर जा रहे हैं। और उनका स्टाइल कैसा है कीर्तन का वो भी डिस्कस हुआ कि लोग अगर दूर भागते हैं उनका कीर्तन सुन के तो उनसे याचना करते हैं, पास जाकर के आलिंगन करते हैं और उत्साह के साथ कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते हैं। विचार नहीं करते हैं कि सामने वाले की क्या जाति है, वर्णाश्रम में वो कहाँ स्थित है, उसका क्या मूड चल रहा है, चांडाल है, पतित है, कौन से स्तर पे है। सभी को समान दृष्टि से देखते हैं भगवान और सभी को हरिनाम करके और इस भव से पार लगाने की पूर्ण चेष्टा कर रहे हैं। चेष्टा क्या, उनको तो देखते ही भव बंधन से व्यक्ति छूट जाता है। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है। अब जो माता से कह के निकले हैं वो काम भी करना है, धन अर्जित करना, उसका वर्णन केवल दो श्लोकों में कर रहे हैं, दो पैर में। संकीर्तन का वर्णन किया कि चांडाल पति तो की वास अज्जन दुर्जन सवारे याचिया प्रभु दिल हरि नाम। इसमें याचिया शब्द बहुत महत्वपूर्ण, याचना कर करके चंडाल तक को उससे भी याचना कर रहे। और फिर शुचि व अशुचि के वह आचार विचार, शुचि अशुचि का विचार ही शुचि होए मुचि यदि कृष्ण त्यजे, मुचि होए शुचि यदि कृष्ण भजे, सीधा सीधा फार्मूला है। तो वही महाप्रभु यहाँ पे उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि पवित्र अपवित्र क्या होता है,
गले लगा के हरि नाम करा तो सब पवित्र हो गए। अपवित्र व्यक्ति पवित्र कैसे हो? हरि नाम। बस शुचि वा अशुचि की वा आचार विचार नाम निया सवारे करिल भव पार। नाम संकीर्तन प्रभु नौका सजाई है। नौका कहाँ ले जाएगी? भाव सागर से पार, भव नदी पार कर ले दुखित देखिए। तो हरि नाम की नौका पे बैठ जाना है। नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्र पार। तो वो भी वही चीज कह रहे हैं कि हरि नाम जो है वही नौका है, उस पे जो बैठ गया तो महाप्रभु पार कर देंगे। जे जना पलाए तारे धरी कोले करी कांडारी रूपे पार कैले गौर हरि। भागने नहीं देते किसी को। जैसे एक नाविक है और वो तैरना जानता है, उसके सामने कोई व्यक्ति डूब रहा हो और नौका से दूर भाग रहा हो, क्या करेगा वो? अगर दया है हृदय दौड़ के जाएगा, उसको पकड़ेगा। बस उसको बचाना है बस किसी तरह से। इसको नहीं मालूम है कि बचाने वाले हम हैं और वो जो है डूबा जा रहा है, तो उस पर दया करके उसको दौड़ा के उसको पकड़ लेना खूब अच्छी तरह से, ताकि वो छुड़ा ना पाए। तभी तो नौका भी चढ़ा पाएंगे। हल्का फुल्का पकड़ेंगे तो वो तो छुड़ा के भागेंगे, फिर भी डूब जाएगा जाके। कस के पकड़ लेते हैं उसको, तो छोड़ते ही नहीं। जे जनो पलाए तारे धरी कोले करे। दयावान व्यक्ति का ये लक्षण है, किसी को भी गिरने नहीं देता। कांडारी रूपे पार कोले गौर हरि। एहेन करुणा नाही सुनी को न युगे। कोना अवतारे केवल कोथा पाप मांगे। कोई किसी के पाप लेकर के उसको हरिनाम दे, ऐसा कोई अवतार नहीं। सवारे पवित्र कैल समभाव करी। समभाव से महाप्रभु ने सबको पवित्र कर दिया हरिनाम देकर। पापी तापी जतो छिल हरिनाम उद्धारी। सवारे पवित्र कैल समभाव करी। राधा कृष्ण प्रेमेर करील अधिकारी। राधा कृष्ण के प्रेम का अधिकारी बने। अब इससे ज्यादा तो किसी जीव की कोई इच्छा ही नहीं। कृष्ण प्रेम अब आगे चलते हैं। विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेषे। पंडित हैल सवे दिन पक्ष मासे। विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेष। उन्होंने सभी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने एक मास में या आधे मास में सभी को विद्वान पंडित बना दिया। 15 दिन एक महीना मैक्सिमम फास्ट ट्रैक कोर्स चल रहा विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेष। पंडित हैल सबे दिन पक्ष मासे। पंडित बनाने में तो इतनी देर लगती है, और भक्तों को क्या आदेश है? कीर्तनीय सदा हरि हर समय। दया सागर प्रभु सर्वलोकपति। दया के सागर हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते किसी को पंडित बनाने में। दया सागर प्रभु सर्वलोकपति, सब लोकों के स्वामी हैं। करुणा प्रकाशी लोके शुद्ध कैल मति। अपनी करुणा प्रकाशित करके सबको शुद्ध मति प्रदान की। शुद्ध मति क्या होती है? जिस मति से कृष्ण का स्मरण हो वही शुद्ध मति, बाकी तो अशुद्ध मति।
कृष्ण भक्ति रस भाविता मति ही, कृष्ण भक्ति रस से भावित मति क्रियताम। रूप गोस्वामी कहना है उसको खरीद लो, यदि कुतो भी लभ्यते कहीं मिल जाए ले लो। ये मत सोचो कि देने वाले कि कौन सा वर्ण है, कौन सी जाति है, क्या है। कुतो भी लभ्यते, उसकी मति कृष्ण में लगी हुई है, उससे वही मति ले लो, उसका संग करके। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो भी लभ्यते। तार मूल्यम, क्या मूल्य है, कीमत चुकानी, खरीदने की बात कर रहे हैं तो कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तार मूल्यम लौल्यम, एक अलम लोभ। तो उस दिन श्रद्धा की बात कर रहे थे, वो तो भूख थी, लेकिन अब भूख से ही काम नहीं चलेगा, लोभ भी चाहिए। अब भूख है तो जितना खाया सोला मला करके हो गए तुष्ट, लोभ नहीं, लोभ नहीं है तो हम और ज्यादा नहीं करेंगे, लोभ चाहिए। तो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति की कीमत क्या है? लोभ। तार मूल्यम लौल्यम ही करो। तो ये जो लोभ है कैसे मिलता है? क्या हम पुण्य कर्म करते रहेंगे तो ऐसा ऐसी मति मिल जाएगी? जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते, करोड़ों जन्मों की सुकृतियां भी हों तब भी ऐसी मति नहीं मिलती। ऐसी मति तो केवल भक्तों के पास ही मिलती है, इसलिए उनका संग जरूरी है। क्रियताम यदि कृतो भी। तो चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं शुद्ध मति देने के लिए। तो दया आए तो हैं, लग रहा है कि यहाँ टीचर बन के व्याकरण पढ़ाने के लिए आए, लेकिन व्याकरण पढ़ाने के साथ साथ शुद्ध मति दे के चले गए। विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेष, अशेष माने कुछ छोड़ा नहीं विद्या में, कि बाद में लड़के कहें कि जो है अभी ये कोर्स तो मेरा पेंडिंग में रह गया, सब विद्या हो गई पूरी। अशेष और विशेष माने शुद्ध मति की वृद्धि सा। विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेष, पंडित है सब दिन पक्ष मासे, पंडित हो गए क्या? पास में अच्छा, सब हो गए पंडित। क्या होता है पंडित? पंडिताम समदर्शी ना, गीता भगवान कह रहे हैं जो समदर्शी है वही पंडित है। खाली चुटिया रखा ली, धोती कुर्ता पहन लिया तो अब पंडित जी लोग कहने लगते हैं सब्जी वाले को भी सोचो। नहीं, जिसमें समता हो वो होता है पंडिता समदर्शी। और समदर्शी को क्या दिया जा सकता है? पराभक्ति। समा सर्वेश भूतेषु मत भक्तिं लभते पराम। इसलिए महाप्रभु ने पहले इनको पंडित बनाया, उसके बाद शुद्ध मति प्रदान किया। ये क्रमिक उन्नति है। पहले समदर्शी बना दिया। विद्यादान कैल प्रभु अशेष विशेष, वो विद्यादान के लिए ही आए थे इनके पास, तो विद्या तो दे ही दी। अब उसके बाद समदर्शी बनाया और उसके बाद शुद्ध मति दे दी, भक्ति प्रदान की। अब कंप्लीट हुई विद्यादान। एही मते आछे प्रभु सज्जन समाजे, एथा लक्ष्मी शची देवी आछे नव द्वीपे। इस प्रकार सज्जनों के समाज में महाप्रभु आनंद में है उधर पूर्वी बंगाल में, और इधर लक्ष्मी और शची देवी नवद्वीप में बैठी हैं। पति प्रका लक्ष्मी देवी पति गत प्राण,
लक्ष्मी देवी पतिव्रता है, पतिगत प्राण है, पति के साथ साथ उनके प्राण चलते हैं। आनंदे शचीर सेवा करे विधान, तो पतिगत प्राण माने पति की अनुगत है। पति क्या कह के गया है, माता की सेवा करना अच्छे से, तो आनंदे पति की आज्ञा पालन कर रहे हैं आनंद के साथ। भगवान की आज्ञा पालन करनी है, गुरु की आज्ञा पालन करनी है, आनंद के साथ करनी है। अब गुरु जी ने कह दिया है तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं, आनंद के साथ। पतिव्रता लक्ष्मी देवी पति गत प्राण, आनंदे शचीर सेवा करे विधान, सब व्यवस्था करती हैं शची माता की सेवा के लिए। तो क्या क्या घर में काम होते हैं, सबसे पहला काम बता रहे हैं देवतार सज्जा। सबसे पहले तो भगवान की सेवा, उठे भगवान को जगाया, मंगल आरती की, श्रृंगार किया, यह है देवतार सज्जा, उनको सजाया गया। उसके बाद देवतार सज्जा करें गृह सम्मार्जन, अब घर की सफाई का दूसरी प्रायोरिटी पे आएगा। देवतार सज्जा करें गृह सम्मार्जन, और कैसे देवताओं की पूजा करती हैं, धूप दीप नैवेद्य गंध माल्य चंदन, ये सब भगवान को अर्पण करके पूजा की जाती है, धूप दीप नैवेद्य। नैवेद्य माने व्यंजन, मधुर व्यंजन भगवान को भोग लगाना, गंध माल्य माला अर्पण करना, और चंदन। सब सज्ज करी देई देवतार घरे, ताहर चरिते शची आपना पासरे। लक्ष्मी प्रिया ने विग्रह कक्ष की एक एक वस्तु को अत्यंत स्वच्छ करके रखा। भगवान के मंदिर में कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक एक चीज एकदम चमक रही सोने की तरह। सब सज्ज करी दई देवतार घरे, ताहर चरिते, और शची माता देखती है कैसे भगवान की सेवा करती रहती है लक्ष्मी प्रिया, और देख देख के इतनी खुश होती हैं कि अपनी देह का विस्मरण हो जाता है। वशा भेल शची देवी वधूर चरिते, वधू के चरित्र के वशीभूत हो गई सास शची माता। शैना क्या चाहती कंप्लेंट करेंगे, अभी अभी देख तो लिया। हाँ, ये कोई कठिन काम नहीं है, भगवान के मंदिर की सफाई करना, फिर उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के घर की सफाई करना, और अगर परिवार के लोग भक्त हैं तो भगवान की सेवा अच्छी सी देख करके खुश होंगे। जो भगवान से प्यार करता है उसको सब प्यार करता है। जा पर कृपा ता पर कृपा करे सब कोई, सब उससे प्रेम करने लग जाते हैं, उसका नेचर ही ऐसा बन जाता है। कुछ दिन हो सकता है कि स्ट्रगल चले, लेकिन कुछ सालों के बाद समझ में आ जाता है सबके, फिर सब प्रेम करने लगते, बल्कि फॉलो करने लगते, थोड़ा समय लगता है। तो वही धैर्य तो चाहिए। तो वश्य भेल शची देवी वधूर चरिते, पुलकित देह शचीर वधूर पीड़िते। शची माता के रोम खड़े हो जाते थे अपनी बहू को देख करके कैसे सेवा करती है।
हे भगवान गौरचंद्र आप ही मेरे प्राण है। यही मते आचे सची वधूर सहित, इस प्रकार से बहू के साथ में रह रही है माता। अब दैवेर निर्बंध जहा ना जाए खंडित, लेकिन जो भाग्य में लिखा हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। प्रभु ना देखिया, कैसी हैं लक्ष्मी प्रिया? पति अनुगत, पति गत प्राण, तो प्रभु ना देखिया। लक्ष्मी कातर अंतर, हृदय में बहुत कातर है और दुखी रहती है, कब आएंगे इंतजार करती है। प्रभु ना देखिया लक्ष्मी कातर अंतर, प्रभु र विरह तार इस पूरे निरंतर। निरंतर प्रभु का विरह उनको सताता रहता है। और विरह वैल मूर्ति सर्पेर आकारे, तो उनका जो महाप्रभु के प्रति विरह था उसने सर्प का रूप धारण कर लिया, विशाल सर्प का रूप धारण किया। विरह हाइल मूर्ति सर्पेर आकारे, लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा जानील अंतरे। वो इस सच्चाई से अवगत थी, काल सर्प कभी विरह सहन नहीं होगा मुझे, ये बात उनके समझ में आ गई थी। वो सर्प का रूप ले चुका है विरह, काल सर्प। विरह हैल मूर्ति सर्पेर आकारे, लक्ष्मी ठाकुरानी ताहा जानील अंतरे। दंशी लेकर महासर्प लक्ष्मी र चरणे, उस सर्प ने जो विरह रूपी सर्प था उसने लक्ष्मी देवी के चरण में डस लिया। अस्त व्यस्त हया शची गणे मने मने, और शची देवी अत्यधिक चिंतित और भयभीत हो गई। दंशन ज्वालाए देवी करे छटपट, और दंश की ज्वाला से छटपटा रही है लक्ष्मी देवी। देखी शची देवी पाइल परम संकट, लक्ष्मी देवी शची माता समझ गए कि अब बहुत बड़ा संकट आ गया है। डाकिया आनिल ओझा झाड़ नाना मंत्रे, जो सर्प का मंत्र जानने वाले ओझा थे उनको बुलवा लिया कि मंत्र के द्वारा ये विष निकाल दें। जिज्ञासा करील नाना औषधेर तंत्रे, और चिकित्सकों को भी बुलवाया कि जड़ी बूटी आदि जो कुछ भी आप जानते हो कुछ करो, मेरी बहू को वापस ये विष निकालो इसका। अनेक यत्न कैल ना लेवटे विष, अनेक यत्न किए माता ने लेकिन वो विष उतरा नहीं। बड़ा भय पाइल सची हाइल विमरीश, बहुत दुखी हो गई और भयभीत हो गई सची माता। क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अब समझ गए कि इनका जाने का समय आ गया है, गंगा प्राप्ति का समय आ गया है। तो प्राप्ति काल देखी सबे छाड़ी लो यतने, जब समझ में आ गया कि इसका अब जाने का टाइम आ गया है तो अब सारे यत्न छोड़ दिए। जनरली लोग क्या करते हैं, इंटेंस केयर यूनिट इमरजेंसी। और यहाँ क्या है, प्राप्ति काल देखी, ये महाप्रभु से सब सीखी हुई है, पिताजी जब गए थे। प्राप्ति काल देखी सबे छाड़ी लो यतने, गंगा जले नामा इला श्री हरि स्मरणे। गंगा जल के निकट सब भक्तों के द्वारा ले करके उनको आ गई, गंगा किनारे आ गई। प्राप्ति काल देखी सबे छाड़ी यतने, गंगा जले नामा इला श्री हरि स्मरणे।
अपवित्र नामों का उच्चारण करने लगे ताकि अंत समय में इनको हरि नाम का स्मरण हो। और गलाए तुलिया दिल तुलसी दाम, गर्दन को ऊपर उठा करके तुलसी की नई कंठी माला पहनाई उनको। गलाए तुलिया दिल तुलसी दाम, चौदह के वैष्णव सब लय हरि नाम। चारों ओर वैष्णव लोग हरि नाम कीर्तन कर रहे हैं। लक्ष्मी गेला प्रभु स्थाने ना जाने लोके, तब लक्ष्मी प्रिया भगवान के आध्यात्मिक धाम में प्रस्थान कर ली। लक्ष्मी गेला प्रभु स्थाने ना जानी लोके, परम अद्भुत सभे देखे परते के। ये इनके जाने की घटना परम अद्भुत है और उसको प्रत्यक्ष रूप से नवद्वीप के वासी देख रहे हैं। आकाशेर पथे रथ आनील गंधर्व, आकाश से गंधर्व गण आए रथ लेकर। हरी बोली देई छाड़ दे हछाड़ी, लक्ष्मी गेला स्वर्ग। हरी हरी बोल करके लक्ष्मी ने देह छोड़ दिया और स्वर्ग के लिए गमन किया। अब यहां दो प्रकार की बातें की गई हैं। अब अगले श्लोक में सुनिए क्या लिखा है। यहाँ कहा है स्वर्ग और यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मी अंश कोन शक्ति वैकुंठ चली। देखिया सकल लोक विवल होइल, जैसे पांडव जब गए थे, अर्जुन जब गया धाम में, तो अर्जुन किसका पुत्र था? इंद्र। और अर्जुन को नित्य पार्षद भी कहा जाता है ना? अपने नित्य पार्षद को मोहित करके उसका मोह दूर करने के बहाने से उन्होंने भगवत गीता प्रकट की और सब जीवों का उद्धार किया, ऐसा चक्रवर्ती पाठ का कहना है अपनी टीका में। तो अपने नित्य पार्षद कहा है, प्रभुपाद भी बोलते रहे नित्य पार्षद है। तो वो वैकुंठ जब गया तो ये इंद्र का अंश भी अर्जुन के शरीर में ही सख्य रस का आस्वादन कर, कोई भक्त है जो सख्य रस का आस्वादन करना चाहता है तो अर्जुन के शरीर का आश्रय लेकर के वो इंद्र का अंश जो था वो सख्य रस का आस्वादन भी कर रहा है। लेकिन जब गए तो जो इंद्र का अंश था वो स्वर्ग चला गया और जो नित्य पार्षद था वो धाम चला गया। वैसे ही यहां भी है, स्वर्ग की एक अप्सरा है, चैतन्य महाप्रभु आगे कथा बताएंगे। लक्ष्मी प्रिया तो वो भी भक्त होगी तो उसको चैतन्य महाप्रभु को वर के रूप में प्राप्त करने का अवसर मिला। और लक्ष्मी तो है ही है, भगवान की पत्नी हो लक्ष्मी ना हो ये हो ही नहीं सकता। तो उस लक्ष्मी की देह का आश्रय लेकर के वो आस्वादन कर रही है। जैसे कोई वात्सल्य में आगे बढ़ा चढ़ा भक्त होता है और जब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं तो वो यशोदा मैया की देह में का आश्रय लेकर के वात्सल्य का आस्वादन करता है। यशोदा तो कोई बन नहीं सकता, यशोदा तो नित्य माता है, अब कौन दूसरी माता बन जाएगी। लेकिन वात्सल्य रस का आस्वादन करने का किसी का मन है तो भगवान के पास सारी सुविधा है कि हाँ लो आस्वादन करो। ऐसे ही कोई सख्य रस का आस्वादन, जो जिसके अनुगत हो करके रहता है उसको उसकी देह का आश्रय प्राप्त होता है। यही निवेदन धर सखीर अनुगत। हम लोग रोज तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं कि सखीर अनुगत। लेकिन अभी सखीर अनुगत में और भी
शार्पनेस होनी चाहिए कि कौन सी सखी है। जिस एक सखी का चरित्र बहुत अच्छा लगने लगेगा तो फिर व्यक्ति उसी का अनुगत बनना चाहेगा, तो फिर उसको अवसर इसी प्रकार से मिलेगा उस रस का आस्वादन का। कोई वो नहीं हो सकता, ये मायावाद है प्रभुपाद का। अगर हम कहें कि हम गोपी बन जाएंगे, गोपी का आश्रय लेकर के उस रस का आस्वादन कर सकते हैं थ्रू गोपी डायरेक्ट। तो अब इसका समाधान यही है, आकाशेर पथे रथ आनील गंधर्व हरि बलि देह छाड़ी लक्ष्मी गेला स्वर्ग। लक्ष्मी अंश कोन शक्ति वैकुंठ चली गई। अब लक्ष्मी की अंश राधा रानी के अंश है सारी लक्ष्मियां, वो वैकुंठ चली गई। देखिया सकल लोक विवल होइल। ये तो लक्ष्मी को ले जाने के लिए कौन आना चाहिए, गंधर्व थोड़े ले जाएंगे वैकुंठ तक, गंधर्व तो स्वर्ग तक ही ले जाएंगे। वैसे स्वर्ग वैकुंठ को भी कहा जाता है भागवत में, कहीं कहीं स्वर्ग शब्द वैकुंठ के लिए भी आया। क्या भी कहां पे आया, भीष्म पितामह की स्वर्गारोहण। हाँ, लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है, यहाँ तो गंधर्व आए ना। और फिर चैतन्य महाप्रभु बता भी रहे हैं कथा, तो लक्ष्मी अंश कोन शक्ति वैकुंठ चलीला और देखिया सकल लोग विवल होइला। इंद्रपुरी गेला, फिर देखिए वही कह रहे हैं, इंद्रपुरी गेला लक्ष्मी आपन आलय, जहां उसका घर था वहां इंद्रपुरी में जाकर के रहेंगे। परम लक्ष्मी द्युति सर्व लक्ष्मी माय, और उनकी कांति और वैभव ऐसे प्रतीत होता था जैसे लक्ष्मी जी है। तबे शची देवी एथा कांदय दुखिता। अब वो तो चली गई वैकुंठ स्वर्ग, और इधर शची देवी दुखी है मां। तबे शची देवी एथा कांदय दुखिता गुण विनाया कांदे स्त्री गण वेष्टिता। स्त्रियों से घिरी हुई हैं और लक्ष्मी प्रिया की महिमा का गान कर रही है। नयन गलय जल भीजे ही आवास, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और उनके वक्षस्थल तक सब भीग गया है, उनके कपड़े सब भीग गए हैं उन्हीं आंसुओं से। शिरे कर हानि छाड़े तपत निश्वास, अपना सिर पीट रही हैं चची माता। शिरे कर हानि छाड़े तपत निश्वास, अपने हाथों से अपना सिर पीट करके और गहरी गहरी गरम गरम सांसें छोड़ रही हैं। सर्व गुणे शीले वधु लक्ष्मी लक्ष्मी समान, उसका नाम था लक्ष्मी, केवल नाम ही नहीं था गुणों में भी लक्ष्मी के समान थी। सर्व गुणे शीले वधु लक्ष्मी लक्ष्मी समान, नदिया नगरे नाहीं दीवारे उपमा। नदिया नगर में कोई उपमा नहीं उनके सौंदर्य की, उनके गुणों की। के मने घरे ते जाब, अब मैं घर कैसे जाऊंगे। के मने घरे ते जाब एकेश्वरी आमी, मैं अकेली अब घर कैसे जाऊं। की लागिया मोरे दया पासरीला तुम्ही, पहले भगवान तुमने मेरे ऊपर कृपा की लक्ष्मी जैसी बहू दी, अब क्यों कृपा करना भूल गए। देव आराधन सज्ज थाकिल पड़िया आमर शुश्रूषा केने गेला त छाड़िया। तुमने ध्यान पूर्वक हमारे विग्रहों की सेवा की। देखिए क्या याद करें, हमारे विग्रहों की कोई भी सेवा करता है तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। शची माता अपनी बहू के लिए कह रही है, तुमने ध्यान पूर्वक मेरे विग्रहों की सेवा की,
देव आराधना सज्ज थाकिल पड़िया, आमर शुश्रूषा केने गेला तछाड़िया। अब तुम मेरी सेवा करती थी, तुमको निमाई कह गया था, अब तुम मेरी सेवा छोड़ करके क्यों जा रही? आज ही है ते शून्य है ल मोर गृहवास, आज से मेरा घर शून्य हो गया। शून्य आयतम जगत सर्वम, आज ही है ते शून्य है ल मोर गृहवास, विवाह करी विश्वम्भर गेला त प्रवास। विवाह करके विश्वम्भर तो प्रवास के लिए चला गया। प्रवास माने होता है टेम्पररी आवास, यहाँ कुछ काल के लिए कोई व्यक्ति जाता है, उसको प्रवास कहते हैं। आरे रे पापिष्ठ सर्प, हे पापी सर्प, कोथा तुम्हें छील, कहाँ हो तुम? हमारे ना खाइला केने जीता वधु खाने, मेरी पुत्र वधु के स्थान पर तुमने मुझे क्यों नहीं डस लिया? यही कह रही थी भगवान से कि अब तुम हम पर कृपा करना क्यों भूल गए? कि सर्प से कहते हैं कि हमको डसता, बूढ़ी मैं हूं, मैं चली जाती, ठीक था, बहु सेवा करती पुत्र की। आरे रे पापिष्ठ सर्प, कोथा तू ही छिल, हमारे ना खाई ल केने जीत वधु खानी, मेरी पुत्र वधु को तुमने जो है क्यों डस लिया, हमें क्यों नहीं डस लिया? मोर सेवा करी बारे वधु नियोजिया, मेरी सेवा करने के लिए लक्ष्मी प्रिया को नियोजित करके गया था विश्वम्भर। मोर सेवा करी बारे वधु नियोजिया, विदेशे चलीला पुत्र निश्चिंत होइया। वो तो निश्चिंत होके चला गया कि बहू है सेवा करेगी, परंतु बहू तो चली गई धाम। के मने वा पुत्र मुख चाहिए वो अभागी, मैं अभागन कैसे अपने पुत्र से आंख मिला पाऊंगी, कैसे उसकी ओर देखूंगी कि तुम्हारी अपनी बहू को मैं संभाल नहीं पाई। के मने वा पुत्र मुख चाहिए वा अभागी, की करी वो प्राण पोड़े वधु के ना देखी, कैसे अब पुत्र वधु को देखने में असमर्थ हो करके मैं जीवित रह पाऊंगी। एते कपिलाप देखी यत बंधु गण, सवे भले शची देवी कर संवरण। हे शची माता, अब अपने शोक का संवरण करो, शोक करना बंद करो, चलो घर। शची देवी को शोक संतप्त देखकर उनकी सखियों ने उनसे कहा कि कृपया शोक करना बंद करो। जार जे निर्बंध आचे घुचाई में के हम, जो जिसके भाग्य में लिखा है कि ये निर्धारित क्षण आना है, ये परिस्थिति तुम्हारे जीवन में आनी है, उसको कौन बदल सकता है? यार ये निर्बंध आचे घुचाई वे के हम, कौन उसको टाल सकता है? सकल संसार मिथ्या सब देह गेह, सारा संसार ये घर ये देह सब मिथ्या है। तो मिथ्या तो मायावादी कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब टेम्पररी लेना चाहिए यहां से, और मिथ्या कई भजनों में भी कहा गया है कि झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। तो झूठा इसलिए कहा जाता है वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कि ये झूठ है और भगवान का नाम ही सत्य है। लेकिन वास्तव में झूठा तो नहीं है, क्योंकि इस जगत की वस्तुएं ही भेंट कर करके लोग भक्त बन रहे हैं, तो झूठ कहां से हो, टेम्पररी है। तो मिथ्या शब्द कहीं भी आपको मिले भगवान से संबंधित तो जगत मिथ्या कहा जाए, तो ये मान लेना चाहिए कि वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा जा रहा है,
परंतु वास्तविक अर्थ जो है वो तो प्रभुपाद ने समझा ही दिया है, टेम्पररी। आशाश्वतम दुखालयम आशाश्वतम, वास्तव में देखा जाए तो दुख अशाश्वत है, दुख स्थाई नहीं होता, क्योंकि हम क्या है, सच्चिदानंद के अंश हैं। जो सच्चिदानंद है उसका अंश स्थाई रूप से दुखी कैसे हो सकता है? यद गत्वा, जब वहां पहुंच जाएगा न निवर्तन्ते, क्यों? वहां स्थाई आनंद है, उसको कौन छोड़ के आएगा? भगवान की सेवा का नित्य सुख मिल रहा है, नित्य सेवानंद की प्राप्ति हो जाए तो उसको कौन छोड़ के आएगा? तो सुख नित्य है, दुख हमेशा अनित्य होता है, क्योंकि जगत ही अनित्य है, तो दुख दुख यहाँ जो है वो कहां से नित्य हो जाएगा? इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, दुख है अनित्य है, टेम्पररी। जैसे ट्रेन में चढ़ते हैं, भीड़ है, सब कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि भी हमारा स्टेशन आ जाएगा कुछ देर में, क्या है हमको यहाँ परमानेंट थोड़े रहना है, फिर तो अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने प्रेमी जनों के पास पहुंच जाएंगे, तो आनंद ही आनंद होगा। ये टेम्पररी है, इसलिए टॉलरेट कर लेते हैं, कोई सुविधा नहीं होती। चढ़ जाते हैं लोग, बिना टिकट वाले भी सब चढ़ गए थे, हम लोग जब आ रहे थे तो इवन टॉयलेट भी जाना हो तो लोगों के ऊपर से लांग लांग करके लोगों को तब वहां तक जाओ, और फिर टॉयलेट भी कौन सा बहुत क्लीन रहता है, जैसा तैसा है, ठीक है ना, बहुत सारा कुछ सहन करना होता है, लेकिन हमको मालूम है टेम्पररी है, ठीक है, चलेगा कुछ ही काल के लिए तो है। तो ऐसे ही समझना चाहिए जगत को, जीवन को, इस शरीर को। तो फिर जो भगवान कहते हैं ना, मात्रा स्पर्शा सुख होते हैं, शीतोष्ण सुख कदुकदा आगम अपायन अनित्य आते थे, फिर सहन करना आसान हो जाता है। हम टेम्पररी दिमाग में नहीं रखते हैं तो सोचते हैं कि अरे फिर सहन नहीं करते, जीने की तमन्ना जाग उठी इस दिल में कयामत के दिन तक, तो बस अब दुखी रह गए कोई नहीं रहता कोई नहीं रहता हमें कयामत के दिन तक जीने की तमन्ना जाग उठी, तमन्ना करते रहो, यहाँ 100 साल से ज्यादा नहीं मिले, जाना तो पड़ेगा। तो इस टेम्पररी चीज को समझना चाहिए, यही शची माता को उनकी सब सखी सहेलियां समझा रही हैं। जार जे निर्बंध आचे घुचाई वे के हैं, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसको कौन मिटा सकता है, और सकल संसार मिथ्या सब देह की, घर देह संसार सब टेम्पररी, संसार क्या होता है? संसरति इति संसार है, और सरल करिए, जो चेंज होता रहता है, हाँ, और सरलता समझिए, और सरलता समझिए, संसार दावा नल। अब क्या संसार में ये कुर्सी भी है, टेबल भी है, मोबाइल भी है, क्या ये दावा नल लग रहा है हमको? तो फिर दुख कब होता है? ये रिलेशंस हैं तो ये दावा नल तो लग ही नहीं रहे, तो फिर दावा नल क्या है? संसार और जगत, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। जगत माने ये जो जड़ वस्तुएं सब दिखाई दे रही हैं चारों तरफ, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इससे बना हुआ जो है। और संसार का मतलब होता है इसको अपना मानना, यही है संसार। अब आदमी दुख में पड़ता है,
जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, छोड़ देंगे सभी विपत में, कोई साथ नहीं जाता है। दो दिन का यह चमन खिला है फिर मुरझाए कली कली, लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली, और राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जितना लूटना है, लेकिन जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, बस यही संसार है, यही दावेदार लगा देता है। ड्यूटी करो बस, अपना ना समझो। ऑफिस में जैसे ड्यूटी करते हैं, ऑफिस को अपना ही समझते हैं क्या? ट्रेन को अपना समझते हैं? नहीं। ट्रेन में कॉलर वॉलर लेके चला करो कि शीशा कहीं गंदा हो, झाड़ू भी लेके आओ, घर ट्रेन में कोई मूंगफली खा के गिराएगा तो सफाई कर देंगे। घर को साफ सुथरा रखते हैं, कॉलर से शीशे साफ करते हैं। ट्रेन में कुछ नहीं मालूम है, टेम्पररी है, जैसे तैसे बस बीत जाए, पहुंच जाए लक्ष्य पे। ऐसे लक्ष्य पे दृष्टि अर्जुन की तरह रहनी चाहिए, आंख में। द्रोणाचार्य ने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, दुर्योधन से पूछा कि लगा एक पेड़ दिखाई दे रहा है, उस पे एक चिड़िया बैठी है। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, अर्जुन से पूछा क्या दिखाई दे रहा है, बोले सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई दे रही और कुछ दिखी नहीं रहा। ऐसे कंसंट्रेशन अपने लक्ष्य पर रखना चाहिए। कृष्ण प्रेम चाहिए, और कृष्ण प्रेम प्रदायते कौन है? बस गौरांग के पीछे पड़े रहो, कृष्ण प्रेम दे देंगे। ये तो पात्रता कुपात्रता कुछ देखेंगे नहीं, ये भाव में रहते हैं तो दे ही देंगे। कृष्ण कहेंगे कंडीशन रख देंगे। मामे वो ये प्रबद्यन्ते माया में ताम तरंतते, अब वो पिल्ले को समझाते क्या, वो मेरी शरण में। वृक्षों को समझाते दंडकारण्य के वृक्षों को, कुछ नहीं, आलिंगन जाओ शरणागत। कृष्ण भी ऐसे कृपालु हैं, परंतु उनकी कृपा वृंदावन परिसर में सीमित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु पूरे जगत का उद्धार। वृंदावन की लता पता वृक्ष पक्षी सबको कृष्ण ने प्रेम दिया अपना, इसीलिए तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमको तो घास बन जाए वहां पे, वो बड़ी बात हो जाएगी। वृंदावन में घास बनेंगे तो कृष्ण की कृपा मिलेगी, आप कहीं भी हो चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिल सके। गुरु परंपरा के तो घूम रही है चारों तरफ, घूमते रहते हैं वैष्णव लोग। एम्बुलेंस कॉल करो, एम्बुलेंस आ गई। तो तुम्हारे की बुझाई वो तुम ही सब जान। अब भगवान की माँ को हम लोग क्या समझाएंगे, है ना? यानी तुम्हारे की बुझाई वो हम तुमको क्या समझाएं, तुम तो सब मालूम है तुम्हें। जानिया सुनिया केने प्रभु धना मान, सब जानते हुए भी तुम क्यों नहीं शांत हो रही हो? शरीर धरी ले कि हम मृत्यु ना एड़ाए, भौतिक देह धारण किया हुआ कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं होगी? शरीर धारी ले के हम मृत्यु नायड़ा, ब्रह्मादि देवता जाते तारा मृत्यु पाए, ब्रह्मा आदि देवताओं की भी मृत्यु होती है। के हो आगे के हो पाछे, कोई पहले कोई बाद में। के हो आगे के हो पाछे मरण सवार, केहो आगे केहो पाछे मरण सवार, जन्म मरण मात्र सवार व्यवहार। जन्म मरण तो ये व्यवहार है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। सत्य एक वस्तु
सत्य केवल एक वस्तु है, सत्य एक वस्तु कृष्ण, वेदे मात्र जानी, ये वेद में लिखा हुआ है। सत्य एक वस्तु कृष्ण वेदे मात्र, वेदे मात्र जानी माने केवल वेदों से ही ये बात जान पाओगे, क्योंकि शब्द ही प्रमाण है कि वास्तविक सत्य क्या है। क्यों शास्त्र पढ़ जाता सत्य की खोज में, सत्य क्या है? कोई जगत में आया तो जगत को सत्य मान रहा है, देह को सत्य मान रहा है, देह के संबंधों को सत्य मान रहा है, परंतु वास्तव में सत्य क्या है? हमारे मानने न मानने से क्या होगा? वेदे मात्र, यही एक मात्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण। सत्य एक वस्तु कृष्ण वेदे मात्र जानी, केवल वेद से जान पाओगे। हे न कृष्ण ये ना भजे से मूढ़ खानी, वो मूर्ख है। ऐसे कृष्ण का भजन, जो एक ही तो सत्य है कृष्ण, उसका भजन नहीं करता तो मूर्ख की पहचान क्या है? राधा रमन मूर्ख कौन है? हाँ इहा बली प्रभो दिया सब बंधुगण, हरी हरी बली सबे संवरे क्रंदन। तो इस प्रकार से एक दूसरे को समझाते हुए सब लोग प्रबोध करते हुए एक दूसरे का बंधुगण सब चले वहां से, क्रंदन समाप्त हुआ। तबे सब जन मिली जे विधि आछिल, करिया सत्क्रिया तबे सबे घरे ते चली। अब जो विधि विधान के साथ जो कुछ क्रियाकर्म होना था सब करने लग गए। कांदिते कांदिते शची निज घर गेला, शची माता रोते रोते घर पहुंची। प्रबोध करीला सवे बंधुगण मेला, फिर घर पहुंच करके घर को वीरान देख करके बहू से रहित देख करके बहुत रोई, सबने मिलके फिर सांत्वना दी। तबे तथा कत दिन रही विश्वम्भर, घरे ते चलीला प्रभु हरिश अंतरा। महाप्रभु वहाँ शिक्षा दे करके सबकी मति को शुद्ध करके और पद्मावती को शुद्ध करके और पांडव जहाँ नहीं गए थे उसको शुद्ध बना करके और वापिस आ रहे हैं और हृदय में अति प्रसन्न है। अंतर हरिश रजत कांचन वस्त्र मुकुता प्रवाल, सकल वैष्णव पूजा करील अपार। और चलने से पहले वैष्णवों की, वहां जितने वैष्णव थे सबकी महाप्रभु ने स्वयं पूजा की और उनको सोना चांदी वस्त्र मोती आदि सब वस्तुएं भेंट करके और उनकी आराधना की। घरे रे आईला प्रभु नाना धन लैया, खूब सारा धन लेकर के घर पहुंचे। मातृ स्थाने दिला धन हर्षित हैया, अभाव हर्षित होकर के अम्मा के चरण कमलों में सारा धन लाके अर्पण कर दिया। ये है परिवार में सुख का साधन। चार लड़के हैं, जो भी कमा रहे हैं लाके माता जी के चरणों में रख दिए, पिताजी के चरणों में रख दिए, कभी क्लेश नहीं होगा। घरे रे आईला प्रभु नाना धन लैया, मातृ स्थाने दिला धन हर्षित होइया। नमस्कार करी प्रभु, माँ प्रभु का एक एक एक्शन हमको बहुत सारे एटिकेट सिखाता है। तो इसलिए अब यहाँ कथा तो हो रही, कथा तो कल पूरी हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है? चैतन्य दया कथा कर विचार। अब विचार आप लोग करना है, इतने दयालु हैं, न चंडाल देखते हैं न कुछ देखते हैं, जीव का उद्धार कर देते हैं, जो भागता है उसको भी नहीं छोड़ते हैं, न शुचि देखते हैं न मुचि देखते हैं, सबको हरिनाम दे करके शुचि बनाना।
मति शुद्ध कर रहे, तो किसी को भी इग्नोर नहीं करना। हम लोग का भी काम है जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वही कृष्ण कृष्ण उपदेश माने गौरांग उपदेश एक ही बात है। और वो क्या देते हैं सबको हरि नाम, हमारा भी काम है प्रचार के लिए। सबसे पहले नित्यानंद हरिदास को भेजा था, सब जा करके लोगों के चरणों में गिर गिर करके और सबको हरि नाम करने के लिए कहते थे, वही हमें भी करना, यही काम है। तो मातृ स्थाने दिला धन हर्षित हैया, प्रसन्न होकर के दे दिया। नमस्कार करी प्रभु निहारे वदन, प्रणाम किया और माँ का मुखमंडल देखने लगे। माँ का मुख कैसा है, वीरस वदन, कोई रस नहीं दिखाई दिया, कोई सुख पुत्र आया इतने दिन के बाद, लेकिन माँ को सुखी होना चाहिए ना, कितना सुखी होना चाहिए सची माता को, लेकिन वीरस वदन सची ना कहे वचन, कुछ बोल भी नहीं रही है। पुनरपि पद धूली लय विश्वम्भर, फिर चरण छुए, ऐसे लग रहा है वो चेतना में ही नहीं है, सोचा छुएंगे तो फिर कुछ जागृत होगी कुछ बोलेंगी। पुनरपि पद धूली लय विश्वम्भर मलिन वदन ना कहे उत्तर, फिर सची माता कुछ नहीं बोली, चुप रही। जे किचु आनिल धन माए निवेदिया, जो धन लाए थे सब उनके उनको अर्पण कर दिया, और धीरे धीरे कहे प्रभु विस्मित हुई। महाप्रभु बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये माँ का कैसा व्यवहार है। केने है ना माता तुम्हारा मलिन वदन, इतना मलिन तुम्हारा मुख क्यों दिखाई दे रहा है, क्या हो गया। तुम्हारे दुखी तो देखी पोड़े मोरे मन, मेरे हृदय में बहुत पीड़ा हो रही है, ज्वाला जल रही है, दुखी हो रहा हूं तुम्हें दुखी देखकर। कहने है ना माता तुम्हारा मलिन वदन, तुम्हारे दुखी तो देखी पोड़े मोरे मन, पोड़े मन जल रहा है हृदय मेरा। ए बोल सुनिया सची गद गद भाष, अब बड़ी अवरुद्ध वाणी से सची माता बोली, बोलना चाहती थी। झर झर आखिर नीर भीजे हिया वास, आंखों से जल धारा बह रही है, वस्त्र भीग गए हैं, कहीं ते ना पारे किछु सब करुण कंठ, अब कुछ बोली नहीं पा रही। कहिला आमार वधू गेला तो वैकुंठ, मेरी वधु वैकुंठ चली गई, बड़ी रुंधी हुई आवाज में बोली। ए बोल सुनिया प्रभु वीरस अंतर, महाप्रभु भी दुखी हो गए। छल छल करे आंखी करुणा रजल, उनके नेत्र दुख से अश्रु प्रवाहित करने लगे। अब माँ को प्रबोध देते हुए बोले, मायरे बलीला प्रभु सुना वचन, पूर्व कथा कही तार जन्मे र कारण। मैं तुमको बताता हूं लक्ष्मी प्रिया के पूर्व जन्म की कथा, इसके जन्म का क्या कारण था, सुनो जन्मे र कारण। इंद्रेर अप्सरा नृत्य करे एक काले, ये इंद्र की अप्सरा थी, और एक बार नृत्य कर रही थी। और दैवेर निर्बंधे पद स्खलन हैल तारे, और दैव योग से इसके चरण ताल के साथ मिल नहीं पाए, पद स्खलन हो गया, लड़खड़ाने लगी, ताल भंग हैल, ताल टूट गई,
अब सुरेश्वर तो बैठे थे एंजॉय करने के लिए, और यहाँ ये नृत्य कर रही है, उसको देख रहे हैं, और ये तो डगमगा गई। तो ताल भंग हैल शाप दिल सुरेश्वरी, उन्होंने शाप दे दिया। ताल भंग हैल शाप दिल सुरेश्वरी, इतनी सी गलती पे शाप। पृथ्वी ते जन्म गिया मनुष्य घर, जाओ पृथ्वी पे जन्म लो मनुष्य के घर में, तुम यहाँ स्वर्ग में रहने लायक नहीं। स्वर्ग में आ गई डांस आता नहीं। तो वैकुंठ जाने के लिए कितना डांस चाहिए होगा। उसी की प्रैक्टिस प्रभुपाद यहाँ कराते हैं, चांद डांस टेक प्रसाद। प्रसाद इतना लो कि मैं जो है लड़का है ना, अच्छे से प्रसाद लेकर के घूमना चाहिए। ताल भंग आइल शाप दिल सुरेश्वर, पृथ्वी ते जन्म गया मनुष्य घरे, जाओ मनुष्य के घर में जन्म लो। अब शाप दे करके तो फिर दया भी आ गई इंद्र को, आखिर सत्वगुण में है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। अभी देवतागण जितने भी हैं सब सत्वगुण में है, नहीं तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति कैसे होते, असत्वगुणी तो ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण तो ब्रह्म जानाति, ब्रह्म को जानने वाले होते हैं, तो गुणवान तो बहुत हैं। तो शाप तो दे दिया लेकिन दया भेल देव राजे, दया आ गई। फिर कहते हैं दुख ना पाई वो तुम्हें, दुखी मत ही ना हाई वो बड़ा काजे, तुम्हें एक महान प्रयोजन सिद्ध करना है, मिशन पे भेज रहा हूं पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी ते अवतार है वो ईश्वर, पृथ्वी पे ईश्वर अवतार लेने वाले हैं। तार वधु है वो तुम्हें, तुम उनकी पत्नी बनोगे। दिल यही वर, अब देखिए इंद्र इतना बड़ा वर देने में सक्षम है। भगवान का साक्षात दर्शन करके गोवर्धन पूजा के बाद भगवान की स्तुति कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, साक्षात भगवान गोविंद कुंड पे बैठे हुए हैं, सुरभि गाय ला करके। बहुत सम्माननीय है भाई, ब्राह्मण का वचन इतना बड़ा करके मानते हैं। परीक्षित महाराज ने कोई विरोध नहीं किया, ब्राह्मण का बेटा था, शाप दे दिया उसने, सात दिन में तक्षक आएगा डस लेगा। तो भगवान जो गर्भ में रक्षा कर सकते थे परीक्षित की, गदा और चक्र दोनों लेकर के चले गए कि कहीं एक अस्त्र मेरा काम नहीं किया तो दूसरे आबाद से ले देखे, तो उसको बचाना है तो दूसरे अस्त्र काम लेंगे। एक्चुअल में ब्रह्मास्त्र से मर चुके थे लेकिन भगवान ने फिर उनको जीवित किया। विष्णु रात कहलाए, पृथ्वी ते अवतार है वो ईश्वर, तार वधु है वा तुम्हें, दिल ए वर। तो हम ये परीक्षित की बात इसलिए कह रहे थे कि ब्राह्मण के बच्चे ने 9-10 साल का लड़का था, क्या नाम था उसका, चेंगी, उसने दे दिया शाप, शमीक मुनि का पुत्र चेंगी। कोई प्रतिरोध नहीं किया परीक्षित महाराज ने, ठीक है मृत्यु तो आनी है, एक 7 दिन में आएगी, चलो पता चल गया 7 दिन है, आप भागवती बैठ के सुन लिए, बैठ गए सुनने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने टाइम वेस्ट ही नहीं किया, सीधे भागवत चालू कर दिया। तो वहां तो सब ब्राह्मण ही ब्राह्मण है स्वर्ग में, अब ये तो ब्राह्मणों के राजा हैं, यानी देवताओं के राजा, तो अब वो कुछ भी बोल देंगे तो भगवान तो गौ ब्राह्मण हिताय, जगत हिताय, कृष्णाय, गोविंदाय, नमो नमः।
तो उनकी बात रखते ही हैं। बोल दिया तो बात होनी है पूरी। शाप दिया पुनः दया भेल देवराजे, दुख ना पाईवे तुम्हें हाई वो बड़ काजे। पृथ्वी ते अवतार हई वो ईश्वर, तार वधु हई वा तुम्हें दिल यही वर। मैं तुम्हें वर देता हूँ। तबे त आसी वे तुम्हें यही इंद्रपुरी, बाद में वहां से जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो वापस यहाँ आ जाना इंद्रपुरी में। कहिल सकल से ही इंद्रेर सुंदरी, सारी बात स्वर्ग की अप्सरा को इंद्र ने बता दी। शोक ना करी हो आर सुन मोर माता, निर्बंध ना घुचे जे ही लिखिल विधाता। कह रहे हैं इसको तो इस तरह से जाना ही था, स्वर्ग की अप्सरा थी मेरी पत्नी, उसको बनना था। अब समय उसका पूरा हो गया, उसके इंद्र के शाप से मुक्त होकर के, और उसको वहां जाना था, चली गई। तुम शोक क्यों कर रही हो? शोक ना करिए। आर सुन मोर माता, निर्बंध ना घुचे जे ही लिखी ल विधाता। विधाता ने जो लिख दिया वो कटेगा नहीं। पुत्रेर वचन शची सुने सावधाने, सावधान होकर के उन्होंने सुना। ना करील शोक किछु, ना करील मने, अपने हृदय में और अधिक शोकाकुल नहीं हुई, शोक का स्मरण कर लिया। प्रबोध पाया शची करे अन्य चिंता, भक्तगण संगे बसी कहे निज कथा। अब प्रबोध तो हो गया। क्या होता है प्रबोध? बार बार इसमें वर्ड आया है, प्रबोध करिया, प्रबोध करिया, माताओं ने मिलकर प्रबोध कराया। बोध कराना माने सत्य का बोध कराना। यही अंत समय में लोग बोलते जाते हैं, राम नाम सत्य, गोविंद नाम सत्य, तो सत्य का बोध। अब वो तो चला गया, उसको सत्य का बोध तो पहले का, जैसे यहाँ दिखाया गया लक्ष्मी प्रिया के वैकुंठ गमन में और जगन्नाथ मिश्र के वैकुंठ गमन में, पहले से ही उनको गंगा के किनारे ला करके हरिनाम स्मरण करा, प्रबोध। और उसके बाद जब जो लोग शोकाकुल हो रहे उनको प्रबोध करो, ये सब अनित्य है। तो बोध कराना और प्रबोध कराना, प्रबोध माने बोध माने ज्ञान, और प्रबोध माने प्रबल ज्ञान। ज्ञान कभी स्लिप भी हो जाए माइंड से, प्रबोध माने जो बहुत प्रैक्टिस करके आपने उसको ग्रहण किया है, प्रबल ज्ञान है, प्रैक्टिकली अनुभूत ज्ञान है, उसको कहते हैं प्रबोध। तो जैसे हमें ज्ञान हो गया कि जीवर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, गोपी वर्तुर पद कमल और दास दासानंद दास, तब इसको इस बोध को इसको प्रबोध में कैसे बदले? दिन रात स्मरण कर करके, हर दो मिनट में, चार मिनट में, हर समय बस ये सोचना मैं क्या हूं, गोपी वर्तुर पद कमल और दास दासानंद, मैं भगवान का दास, मैं भगवान का दास, भगवान सेवा में लगा लो। कुछ भी आध्यात्मिक क्रिया कर रहे हैं, श्रवण करने बैठे हैं, क्यों? मैं भगवान का दास हूं और मेरे भगवान की कथा चल रही है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। कीर्तन कर रहे हैं, क्यों? मैं भगवान का दास हूं, मेरा काम है भगवान की कीर्ति का गान करना। इसमें ना कोई अभिमान आने की गुंजाइश, क्योंकि मैं दास हूं इसलिए कर रहा हूं। स्मरण कर रहे हैं बैठ के, क्यों कर रहा है स्मरण? कृष्ण का मैं दास हूं, अपने स्वामी का तो स्मरण करूंगा, दूसरे के स्वामी करूंगा। इस ज्ञान को प्रबल ज्ञान में बदलना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है, कितना कौन स्मरण करता है, ठीक है। बोध को प्रबोध बनाना यही योग है, पुनरावृत्ति ही योग होता है, बार बार दोहराते रहना इस ज्ञान को। मैं भगवान आपके पास, मैं इस समय क्या कर रहा हूं? सो रहा हूं, टाइम तो हो गया, अब क्यों सो रहा हूं?
अब तो सेवा में लगना चाहिए, बस तुरंत उठ के खड़े। ये बात याद आई, स्वरूप भूलेंगे तो कृष्ण भूलिया भोगवांछा का, स्वरूप भूले नहीं कि भोगवांछा तुरंत आनी है, इसलिए स्वरूप याद रखो तो भोगवांछा कहां से आएगी। कोई हमने अच्छा काम कर दिया, अच्छा प्रसाद बना दिया, अच्छा कीर्तन कर दिया, अच्छा हमने बैठ के कंसंट्रेट होके सुन लिया, तो श्रेष्ठता का जो अभिमान आता है बहुत खतरनाक चीज है। वैष्णव होने का अभिमान बहुत भयानक है। भक्ति विनोद ठाकुर ने भजन में गाया है, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना हवे आवी। इसके आगे क्या है कि विषय जो है वो आकर के मुझे घेर लेंगे। प्रतिष्ठा सा आसी हृदय घेरी बे होई वो निरय गामी। मैं नरक चला जाऊंगा, प्रतिष्ठा की आशा मुझे घेर ले, जैसे ही मैंने सोचा कि मैं वैष्णव। वैष्णव बहुत बड़ी चीज, भगवान अधीन होते हैं उसके, बहुत बड़ी चीज होती है। अभी साधक है, साधना कर रहे हैं, बस इतना ही हमारे लिए काफी। सिद्ध नहीं है, सिद्ध होता है वो वैष्णव है, साधना है। तो अब सत्य सत्य शची माता को पता चला, सत्य पता चलना ही बोध है। और अब दृढ़ता पुत्र कह रहा है, जानते हैं कि ये कभी असत्य नहीं बोलता है, तो उसकी बात मानी। ताल भंग हो ही जाए, महाप्रभु ने पूरी बात बता दी। पुत्र वचन शची सुने सावधाने, ना करील शोक किचु ना करील मने। गौरांग महाप्रभु की बात को बहुत सावधान होकर के सुनो, शची माता भी सावधान होकर के सुनती है, इसलिए असावधान नहीं रहना चाहिए। जब भगवान बोलते हैं या महाजन बोलते हैं या वैष्णव बोलते हैं, ना करील शोक किचु ना करील मने। प्रबोध पाई सची करे अन्य चिंता, अब दूसरी चिंता उनको हुई। भक्त गण संगे बसी कहे निज कथा, अब भक्तों के पास जाकर के उनसे अपने मन की बात कहने लग गई। अब चिंता की अवस्था में माता कहां गई, भक्तों के पास। ये फिर सीखे, हर कदम पे कुछ ना कुछ सीखे। ए बोला बलिया विश्वंभर पायला चिंता, आत्मा संगोपन करे कहे नाना कथा। उनके बोलने के पश्चात भगवान विश्वंभर विचारवान बन गए। उन्होंने अनेक विषयों पर बोला, परंतु ध्यान पूर्वक उन विचारों को अपने हृदय में छुपा लिया। कहे लोचन दास सुनह विचित्र, लक्ष्मी स्वर्ग आरोहण गौरांग चरित्र। लक्ष्मी का स्वर्ग आरोहण भी गौरांग का ही एक चरित्र है, उन्हीं की प्लानिंग है। अब एक स्वर्ग की अप्सरा मन में इच्छा कर रही है भगवान की पत्नी बनने की, तो भगवान को देखिए कैसे मालूम पड़ जाता है। तमाम अवसर आए हैं वहां, लेकिन एक पत्नी बन गई आकर के, भले कुछ काल के लिए सही, जैसी डिजायर की होगी उतना ही उसको मिला होगा, बिल्कुल नाप तौल के मिलता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, आवर मिशन इज टीच पीपल हाउ टू डिजायर, डिजायर करना सीख। अब उधर देखिए, जब गौरांग महाप्रभु की बारात जा रही थी, तो एक स्त्री ने देखा, आंखें देखी और कहने लगी कि ये तो राधा कांत है, उसके सिवा कोई हो ही नहीं सकता। जो भगवान को जानना चाहता है भगवान उसको जाना देते, जितने लेवल तक जानना चाहता है। नदिया के गांव में
हे भगवान गौर रूपी रत्न, हे ब्राह्मणों के चांद, नदिया आनंद देव हरी उठे नाना ध्वनि, ओ की हो रे गौरांग जय जय गौरांग जय जय, सब जगह गौरांग की जय जयकार हो रही, गूंज उठी हुई। हे न मते नव द्वीपे प्रभु विश्वम्भर, आनंद गोयाय दिन शचिर कुयर। तो शची माता के पास रह करके उनके अविवाहित पुत्र ने प्रसन्नता पूर्वक कुछ दिन व्यतीत किए। सुखे निवासाये बंधु बांधव सहिते, बड़े सुख पूर्वक बंधु बांधवों के साथ रहते रहे। शचिरा हृदय दुख भेल आचंबित, किंतु शची माता के हृदय में एक निराशा थी। वधु शून्य घर देखी पाए बड़ा चिंता, घर वधु शून्य है, वधु होनी चाहिए। विश्वम्भर विवाह दिव यही मन कथा, मन में ये बात थी इसकी दूसरी शादी करा दे। मने अनुमानी, मने अनुमान करी करिलो निश्चय। हृदय में उन्होंने एक निर्णय लिया, आछे एक घानी कन्या यदि भाग्य हो, यदि कोई उचित व योग्य कन्या मिल जाए तो अच्छा रहेगा। काशी नाथ नामे द्विज देखिल सम्मुखे, सामने काशीनाथ खड़े थे ब्राह्मण। अंतर कहिल शची निभृते तहा के, उनको वो एकांत स्थान में ले गए और अपने अंदर की बात उनसे कही कि वधु शून्य घर मुझे बिल्कुल काटने को दौड़ता है, हमको वधु चाहिए। काशीनाथ पहले किससे कहा था, वन मालिया से, अभी काशीनाथ का भाग्य उदय हुआ है। काशीनाथ नामे द्विज देखिल सम्मुखे, अंतर कहिल शची निभृते तहा के, एकांत में उनसे कहा सनातन पंडितेर घरे जाह तुमी। ऐसा करो काशीनाथ, सनातन पंडित के घर चले जाओ, प्रबंध करी आप, कह जे कहिए आमी, मैं जो कह रहे हूं उसका प्रबंध कर दो, व्यवस्था बनाओ। सर्वगुण शीले ऐ आमार तनय, मेरा पुत्र सब गुणों से संपन्न है, सर्वगुण शीले ताहर कन्यार योग्य यदि मन्ने जाए। और सनातन पंडित की बेटी विष्णु प्रिया उसके बिल्कुल योग्य है मेरा पुत्र। काशीनाथ जा करके सनातन पंडित से ही बात चलाओ। एते के वचन शची द्विजेर कहिला, ये वचन शची माता ने द्विज से कहे। सुनी काशीनाथ द्विज सत्वरे चलीला, काशीनाथ तुरंत चल दिए, बड़ी अच्छी बात है। विश्वम्भर का विवाह होगा, शची माता की बहू आएगी और सनातन पंडित का भाग्य उदय हो जाएगा। सत्वरे चलीला, बड़े उत्साह से दौड़ दौड़ करके पहुंच गए। पंडित श्री सनातन आछे नीचे घरे, अपने घर में ही थे। काशीनाथ द्विज वर गेला तथा कर, ये पहुंच गए काशीनाथ पंडित। तो सनातन पंडित उसके खड़े हुए और आई सा बोली दिल आसन बसी थे, आइए 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 कह करके उनको उचित आसन दिया बैठने के लिए। ठीक आजे आईला कहे हासिते हासिते, हंसते हंसते मुझे बताइए भाई किस लिए आए हैं, बड़ा मुस्कुरा गया।
काशीनाथ कहे सुन सुन हे पंडित कही बस अकल कथा ये है उचित सारी बात बताऊंगा तुम्हें। तुम्ही सर्व शास्त्र जान आप तो सब शास्त्र जानते हो धन्य पृथ्वी ते आप धन्य है पृथ्वी पर की आचय जत गुण तोर अब अविदित कौन सा ऐसा गुण है या कौन सी ऐसी बात है जो पृथ्वी पर घटित हो रही है और आप जानते नहीं भूत वर्तमान भविष्य सब तो आप जानते तुम्ही सर्वशास्त्र जान धन्य पृथ्वी ते की आचय जत गुण तोर अविदित गुण ते अवगत है परम धार्मिक तुम्हें विष्णु परायणा आप परम धार्मिक हैं भगवान विष्णु के भक्त हैं निज धर्म परायण जेई बोलिए ब्राह्मण आप ब्राह्मण के रूप में अपने कर्तव्यों को संपन्न करने के लिए कृत संकल्प है। संकल्प होना बहुत जरूरी होता है जो कार्य करना है उसका संकल्प होना दृढ़ निश्चय उत्साह निश्चयात धैर्य तत् तत्कर्म प्रवर्तना तो अभी क्या निश्चय करना चाहिए हम हर समय याद रखेंगे मैं भगवान का दास मैं भगवान का दास कभी नहीं भूलेंगे। जब काहे की कीर्तनीय सदा हरि तो कीर्तन करके हम नाम जप का मतलब क्या है हे राधे हे कृष्ण हे बलराम मुझे सेवा में लगा लो सेवा में लगा लो क्यों लगा लो भाई सेवा में मैं दास हूँ इसलिए लगा लो मुझे पता चल गया मैं दास आप ही का हूँ इसलिए आप मुझे सेवा में लगा लो नहीं तो ये माया पकड़ ले जाएगी हमें। प्लीज एंगेज मी इन योर ट्रांसेंडेंटल सर्विस सो दैट आई कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया माया की सेवा से तभी बचूंगा जब आप मुझे नित्य सेवा में लगा लो मैं दास हूँ आपका दास हूँ दास हूँ दास हूँ असल ये बात अर्थ में स्मरण करने का एक संकल्प लेना चाहिए। जो भी अच्छी बातें हैं दृढ़ संकल्प के साथ उसको पालन करना चाहिए। तो ये जो ब्राह्मण थे बड़े संकल्प के साथ अपने नियमों का पालन करते निज धर्म परायण सही बोलिए ब्राह्मण आप अपना कर्तव्य संपन्न करने में कृत संकल्प है। आइछन जानिया शची विश्वम्भर माता डाकिया कहिला मोरे अंतरेर कथा विश्वम्भर की माता शची देवी यह सब जानती हैं उन्होंने मुझे बुलाया तथा वह सब कुछ बतलाया जो उनके हृदय में था। डाकिया कहिला मोरे अंतरेर कथा उन्होंने अपने हृदय की बात हमसे कह दी। पाठाया दिला मोरे तोमा बराबर मुझे आपके पास भेज दिया अवधान कर सुन जे कही उत्तर अब ध्यान पूर्वक सुनिए अवधान कर अवधान करिए अवधान करो अर्थात ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। अवधान कर नाथ मोरे अवधान कर नाथ ध्यान पूर्वक सुनिए हे प्रभु मेरी बात को आपन बलिए तोरे कहीं निज मर्म आपने बुझिया कर जे जुआए कर्म अब जो उचित हो वो आप करिएगा लेकिन हमको तो जो शची माता ने कहा मैं आपको यथा रूप में सुना रहा हूं। तुम्हारा कन्या योग्य वर विश्वम्भर सीधी बात दाएं नमाएं कहीं घुमाना नहीं तुम्हारी कन्या के योग्य वर है पृथ्वी पे कौन विश्वम्भर कहिला सकल कथा बात हो गई मेरी पूरी कहिला सकल कथा जी दे उत्तर अब बताओ क्या करना है।
तुम्हारी कन्या के लिए योग्य वर है विश्वंभर, मैं अपनी बात कह चुका, अब तुम बोलो क्या कहना चाहते हो। चाची माता ने भेजा, अब इतना बड़ा सोर्स लगा है चाची माता का, कौन उसको इधर उधर करेगा। सुनी सनातन मिश्र मने अनुमानी, बंधुर सहित कदा दाढ़ा इल वाणी। ये शब्द सुनकर सनातन पंडित ने इस विषय में अपने मन में विचार किया। सुनी सनातन मिश्र मने अनुमानी, बंधुर सहित कथा दाढ़ा इल वाणी। अपने बंधुओं को बुलाया, नहीं तो बुरा मान जाएंगे, हमसे पूछे बगैर तुमने तय कर दिया है ना, हम नहीं आएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं सुधीर, हम नहीं आएंगे। बंधुर सहित कथा दाढ़ा इल वाणी। काशीनाथ पंडित तेरे कहे जाना था ना, आपन अंतर कही सुन महाजन। तो बंधुओं को बुला करके सारी मन की बात कह दी, और काशीनाथ पंडित कहे सनातन आपन अंतर कही सुन महाजन। अब सुनिए मेरे अंदर में क्या है, वो भी सुन लीजिए। यही मन कथा मोर रजनी दिवस। काशीनाथ पंडित तेरे कहे सना, सनातन ही कह रहे हैं काशीनाथ पंडित को, मेरे अंदर की बात भी सुन लो, चची माता के अंदर की बात तो तुमने बता दी। यही मना कथा मोरा रजनी दिवस, दिन रात मेरे मन में भी एक बात चल रही थी। प्रकट वदने कही, प्रकट रूप से मुंह से कहूं ना ही का साहस, मेरा साहस नहीं हो रहा था। आज ही शुभ दिन, आज बड़ा शुभ दिन है। प्रसन्न भईल विधि, विधाता मेरे ऊपर अति प्रसन्न है कि जमाता पाइब विश्वंभर गुण निधि। विश्वंभर को अपने जमाता के रूप में प्राप्त करूंगा। वाह क्या तो दिन आया है। बड़े दिनों में खुशी करना, आज शुभ दिन प्रसन्न भईल विधि, जमाता है विश्वंभर गुण निधि। आपनार भाग्य तत्व जानी लामो तबे, मैं अपना भाग्य वास्तव में बहुत तीव्र है ये तभी जानूंगा, आपने से शची देवी आज्ञा कैले जबे। जब शची माता विवाह की तैयारी करने की आज्ञा प्रदान करेंगे, भाई मेरे अंदर में भी यही बात थी, उनके अंदर में भी यही चल रहा था। ठीक है अंदर अंदर की बातें तो हो गई, लेकिन अब विवाह की तैयारी करने का ऑर्डर जब उधर से आएगा तब मैं मानूंगा कि मेरा कितना सौभाग्य। मोर भाग्य सम भाग्य कहार होई वो, मेरे जैसा सौभाग्य और किसका होगा। पर ब्रह्म श्री गोविंद कन्या समर्पित वो, पर ब्रह्म श्री गोविंद को मैं अपनी कन्या समर्पित करूंगा। अब जो इस तत्व को जानता है वो तो ये नहीं सोचेगा ना कि इसका विवाह पहले हो चुका है, क्या है नहीं है, इसकी 10 पत्नियां हैं कि 50 हैं। अरे मेरा भाग्य ये मेरा जमाता बनेगा बस, ठीक है। कितने लोगों ने कृष्ण से विवाह किया और ऐसा ऐसा स्वयंवर रचा कि केवल कृष्ण ही उसको पूरा कर, 7 बैल कंट्रोल करने, ये करना सब कृष्ण के अलावा कोई नहीं कर सकता। मोर भाग्य सम भाग्य कहार होई वो, मेरे जैसा किसका भाग्य। परम पर ब्रह्म श्री गोविंदे कन्या समर्पित वो, गोविंद को अपनी कन्या दूंगा। सदा जार पाद पद्मे पूजे ब्रह्मा शिव, सदा जिनकी ब्रह्मा शिव पाद पद्म पूजा करते रहते हैं। से चरणे कन्या दिया आमेव अर्चिव, उन्हीं चरण कमलों की मैं अर्चना करूंगा अपने कन्यादान करने के बाद। क्या सौभाग्योदय हुआ। आगुसरी काशीनाथ चले दुजोत्तम में, कृपया जाइए इन वचनों को शची देवी के चरणों में रख कर उनसे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप आदेश दीजिए कब से शुरू करना है।
कब करना है विवाह, समय निर्णय करी। अगर उनका आदेश हो तो हम ब्राह्मणों को बुला करके मुहूर्त निकलवा दे, भाई वो माता कहाँ इधर उधर भागती रहेंगी, सारा काम हम ही कर देंगे। समय निर्णय करी पाठाई ब्राह्मण शुभ कार्य अनुबंधे करी हो जतन, और सारे उत्सव का आयोजन करने के लिए मैं व्यवस्था कर दूं। पंडित श्री सनातन कहिला उत्तर काशीनाथ द्विज उत्तम चलीला सत्वर, काशीनाथ चल पड़े। शचीर चरणे आसी करी पर नाम, शची माता के पास आए प्रणाम किया और कहिला सकल कथा तार विद्यमान, सामने आकर के और सारी बात बताई कि क्या कहा है किसने, सनातन पंडित ने, कौन बता रहा है, काशीनाथ पंडित। और शची माता ने जब सुनी बात तो अति हर्षिता शची उत्तर पाईया, बहुत खुश हो गई। पुत्र विवाह कार्य करे न हासिया, बस खुशी खुशी पुत्र के विवाह कार्य में लग गई। नाना द्रव्य आहरण करे शची धन्य, सौभाग्यवती शची माता सब सामान जुटाने लगी। कौन छले देखी बारे जाए से ही कन्या, बार बार कन्या को देखने के लिए कोई ना कोई बहाना बना बना करके जाया करती सनातन के घर पे। बहू के बिना कैसे छटपटा नहीं है। भाग्यवान शची देवी ने विवाह के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्रित की और विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर वे अपने संभावित पुत्र वधू को देखने चली जाती थी। तबे से ही सनातन पंडित उत्तम कता दिन रही तथा पाठाइल ब्राह्मण, तब सनातन पंडित ने जो कि पंडितों में उत्तम है, उन्होंने कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण भेजा शची माता के घर। शची रथ चरणे मोर कही वो वचन, ब्राह्मण को समझाया शची माता जाके मेरी बात कहना कि गोचरी हो पूर्वे जे कहिल ब्राह्मण, गोचरी हो पूर्वे, पहले पहले तुम यही बात कहना जो मैं कह रहा हूं, पूर्वे बने पहले पहले मेरी बात उनको गोचर करा देना, तब कोई दूसरी बात करना। मोर भाग्य आज्ञा यदि करे सही कथा सत्वरे आसी हो कार्य करी जेना है था, यदि आप इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे तो मैं भाग्यशाली हो जाऊंगा और इस समारोह को शीघ्र ही संपन्न किया जाए। पर ब्रह्म श्री गोविंद श्री शचिनंदन, शचिनंदन क्या है, पर ब्रह्म श्री गोविंद, तारे कन्या दिले हवे संसार मोचन, इसको कन्या दे देंगे तो सारे संसार मुक्त हो जाएगा, मोचन हो जाएगा सबका। सुनिया चलीला विप्र, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले सनातन गोस्वामी, सनातन गोस्वामी भी तो खैर है ही है और सनातन पंडित नाम यहाँ पे है, तो क्या कह रहे हैं, पंडित श्री सनातन पाठाइला मोरे निज मर्म निवेदन करीते तुम्हारे। असानंद पंडित ने क्या कहकर के भेजा कि पर ब्रह्म श्री गोविंद श्री सचिनंदन तारे कन्या दिले हवे संसार मोचन, इनको कन्या देने संसार का मोचन होगा। संसार का मोचन कैसे हो जाएगा, ये भविष्य जानने वाले, भविष्य में महाप्रभु संन्यास लेंगे मालूम है। और संन्यास का मतलब
कि इतनी सुंदर विष्णु प्रिया साक्षात लक्ष्मी उसको छोड़ करके चले जाएंगे। वैराग्य विद्या सिखानी है, संसार में तो पत्नी आज्ञाकारी हो नहीं हो, बात मीठा बोलती हो कि कड़वा बोलती हो कि कोई छोड़ नहीं पाता। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या सिखा रहे हैं कि इतनी सुंदर, इतनी छोटी आयु की, 15-16 साल की थी जब संन्यास लिया महाप्रभु, और माता शची 70 वर्ष की अवस्था, और ये संन्यास लेके चले जाएंगे। तो ये जिस पर्पस से आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपा मुझे तमाम प्रपत्ति। वो कृपा के सागर हैं, वैराग्य विद्या सिखा रहे हैं। तो वैराग्य कैसे सिखाए जाते हैं कि घर में परेशान हो गए, त्रस्त हो गए, घर छोड़ के चले गए संन्यास ले लिया, ऐसे नहीं। घर में सब प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन कृष्ण से मिलने की लालसा, जीव के उद्धार की लालसा, ये इतनी तीव्र हो गई कि हमें प्यार मिल रहा है, हमें सुख मिल रहा है, उसकी सब चिंता छोड़ करके जीव के हित की चिंता के लिए वैराग्य धारण करना। तो ये जब सोचेंगे चैतन्य कथा करह विचार, जो विचार करेगा उसका कल्याण हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, तारे कन्या दिले हवे संसार मोचन। इनकी वैराग्य विद्या देख करके, पहले तो विवाह देखेगा, उसके बाद वैराग्य देखेगा, तब होगा संसार मोचन। कि उन्होंने क्या छोड़ा और हमको क्या छोड़ना पड़ रहा है। भगवान सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम, भगवान तो यही कह रहे हैं ना। तो उदाहरण भगवान खुद देंगे ना, आपने व्यवहार ही जीवे सिखाए, अपने व्यवहार से सब जीवों को सिखा दिया। तो ये जो है कि गोविंद को मैं कन्या दूंगा, कितना मेरा भाग्य होगा, और इससे तो सारे संसार का मोचन हो जाएगा। तो मेरी तरफ से तो सब कुछ अनुकूल है, अब माता आदेश करें। तो ब्राह्मण ने जाके प्रणाम किया और हंसते हंसते शची माता को सारी बात बताई। पंडित श्री सनातन पाठाई लमोरे, निज मर्म निवेदन करिते तुम्हारे, अपने हृदय की बात कहने के लिए आपके पास उन्होंने भेजा है। तार भाग्य आज्ञा यदि कर तुम ही धन्य, उनके भाग्य से यदि आप आज्ञा करें, हे धन्या माता, तव पुत्र विश्वम्भरे देई निज कन्या। हमारा भाग्य है कि हम विश्वम्भर को अपनी कन्या देंगे, इसलिए आप हमें आज्ञा दीजिए। शची माता ने क्या कहा, भाल भाल, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भाल भाल बली शची अति हर्षित, खूब प्रसन्न हो, हमारा सम्मत कार्य करह त्वरित, मेरी सम्मति है तुम ये कार्य शीघ्र कर डालो। तो शची माता देख चुकी थी विष्णु प्रिया को, तभी उन्होंने सीधे सनातन के घर भेजा। और यहाँ क्या था, शची माता ने लक्ष्मी प्रिया को देखा नहीं था, महाप्रभु ने देखा था लक्ष्मी प्रिया को। और वनमाली आचार्य ने उन दोनों को आपस में एक दूसरे को देखते हुए देखा था, तो बस समझ गए, समझ गए। तो आकर के शची माता से बात की और शची माता ने कहा अभी पढ़ने दो, और अब तो पढ़ लिख करके क्या, पढ़ा करके और धन अर्जन करके आ गया है, अब शची माता की तरफ से तो कोई ऑब्जेक्शन का सवाल ही नहीं, तो पढ़ लिख गया है, अब पिता को भूल जाए इसलिए खूब पढ़े। तो ध्यान कहीं
डाइवर्ट तो हो, नहीं तो हर समय पिता को याद कर करके रो रहा है घर में। तो पढ़ाई से मन अभी इसका जा करके पढ़ाई में लगा है, और अब तो विवाह की बात लेकर के पढ़ने दो इसको, इसका मन लग गया है ना उधर लगा रहे ना। तो भाल भाल बलि शचि अति हर्षित, हमारा समस्त सम्मत कार्य कर सत्वर त्वरित, बस एक्सेलरेशन लाओ काम में, त्वरण माने एक्सेलरेशन, बढ़ाओ फोर्थ गियर पे गाड़ी डालो, जल्दी काम करो। ए बोल सुनिया द्विज अति हृष्ट मने, ब्राह्मण अति प्रसन्न कही ते लागिला किछु मधुर वचन, और मधुर वचन में बोले विष्णु प्रिया विश्वंभर हेन पति पाव, विष्णु प्रिया को विश्वंभर जैसा पति मिलेगा। विष्णु प्रिया नाम तार यथार्थ होई वो, अब ये वास्तव में विष्णु प्रिया बनेगी, अभी तो खाली नाम था विष्णु प्रिया, अब वास्तव में विष्णु की प्रिया बनने के लिए आ रही है। श्री कृष्ण रे पति ये ना पाइल रुक्मणी, जैसे रुक्मणी ने कृष्ण को पति रूप में पाया, आई छो भाई बसे हिया अनुमानी, मेरे हृदय का अनुमान है कि बिल्कुल ऐसा ही आनंद होगा जैसे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह में हुआ। ए बोल सुनिया सची अति हर्षिता, सची माता अति प्रसन्न ये सब सुन के, ब्राह्मण कही लगिया पंडित तेरे कथा, और फिर जा रहे सनातन पंडित के पास कथा कहने के लिए, माता ने परमिशन दे दी है। पंडित श्री सनातन बड़ा तुष्ट है, वो भी बड़े खुश हो गए। विवाह उचित कर्म करीते लागिला, शुरू हो गया तैयारी दोनों तरफ, नाना द्रव्य अलंकारे करे महामती, अधिवास करी बारे करी लो युगति। अब फिर सबसे पहले अधिवास का उत्सव, उसके लिए सब युक्ति होने लगी, सामान जुटने लगा। गणा का आनिया बले वचन विनय, ज्योतिषियों को बुलवाया सनातन पंडित ने, और विष्णु प्रिया विवाह दिव कर समय, आप मुहूर्त निकालिए कब विष्णु प्रिया का विवाह किया जाए। गणा का कहिला सुना सुना हे पंडित, हे सनातन पंडित सुनो, आसीते देखिल विश्वंभर अचंबित, ये जो ज्योतिषी आया, ज्योतिषी ने आकर के सनातन पंडित से कहा कि आप तो विष्णु प्रिया की शादी का मुहूर्त निकालने की बात कर रहे हो विश्वंभर के साथ, लेकिन हमें अभी विश्वंभर मिला था रास्ते में। तारे देखी आनंदित भेल मोर मन, उनको देखते ही मेरा मन आनंद से भर गया। कौतुके तारे हमी जे कहिला वचन, मैंने कौतुक में मजाक में उससे ये बात कह दी कि काली शुभ अधिवास है तुम्हार, कल तो तुम्हारा अधिवास होगा, शादी होने जा रही तुम्हारी। विवाह है व सुना वचन अमार, कल अधिवास है फिर तुम्हारा विवाह है, मुहूर्त निकालने के लिए मैं जा रहा हूं। तो मां प्रभु ने जैसे सुना वैसे नहीं सुना, ए बोले सुनिया ते हो कही उत्तर, मां प्रभु बोले एक बार फिर कहो, कह कोथा कार विवाह, इसकी शादी है, कह कोथा कहां किसकी शादी है, कह कोथा कार विवाह, केवा वर कन्या, वर कौन है कन्या कौन है कुछ बताओ तो सही, बस शादी है कर रहे, हमारा ध्यान कहीं और था, एक बार रिपीट करो। अब ये सोचे कि इनका भाव कहीं और है, इसलिए चले आए, घर सामने आ गया था, ये तो इनके घर आ गए सनातन।
हमारे साक्षात एक कथा कही लो कथन, मुझसे साक्षात विश्वंभर नहीं बातें, उसको पता तक नहीं है कि उसकी शादी होने वाली। सच्ची माता इतनी प्रसन्न होकर के सब आज्ञा वाज्ञा दे चुकी, कितने दिन से बात चल रही है उसको मालूम नहीं है। हमारा साक्षात कथा कही लो कथन, हमसे साक्षात सामने हमने बात हुई, हमने अपने कान से सुना है। बुझी आ कार्य गति कर आचरण, अब आप समझिए क्या करना है, वो तो अनजान है बिल्कुल। ए बोल सुनिया ते हो कही लो उत्तर, कथक कुह कार विवाह केवा कन्यावर, कौन है कन्यावर, किसकी शादी हो रही है, कहाँ शादी हो रही है। हमार साक्षाते कथा कही लो कथन, बुझी आ कार्य गति कर आचरण, अब ये मुहूर्त औरत अभी छोड़ो, पहले तो ये देखोगी क्या स्थिति है। गणा केरा मुखे सुनी ये सब वचन, जब सनातन पंडित ने सुना तो धैर्य अवलंबी किछु ना बैल तखन, धीरज धारण किया और कुछ बोले नहीं। सनातन पंडित से चरित्र उदार, बड़े उदार चरित्र के हैं। बंधु गण लैया करे अनुमान सार, फिर अपने बंधुओं बुलाए बैठ करके बात की कि नाना द्रव्य कह लूं, मैंने तो बड़ी तैयारी कर ली है, सब सामान इकट्ठा कर लिया है, नाना कह लूं अलंकार गहने मैंने सब बनवा लिए हैं लड़की की शादी के लिए, नाना द्रव्य कह लूं, नाना कह लूं अलंकार, कहा रे की दोष दिव कर्म आमार, मेरा ही कर्म है, किसको हम दोष दें। समझ गए कि अब ये कैंसिल है शादी, जब विश्वंभर को मालूम नहीं है तो फिर ये शादी कहाँ हो पाएगी, कल अधिवास है उसका, आज मालूम ही नहीं है, घूम रहा नदी में। नाना द्रव्य कह लू, नाना कह लू अलंकार, कहा रे की दोष दिव कर्म आमार, ये बहुत सीखने वाली बात है, कौन व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, तो जैसे मेरे कर्म है उस हिसाब से व्यवहार आ रहा है ना, वो तो एक पोस्टमैन की तरह है। भगवान हमें हमारे कर्मों का फल दे रहे हैं, तो जिसके थ्रू दे रहे हैं हम उसको दोष देते हैं, ये अज्ञान है। अच्छा या बुरा, जो हमारे हित की कोई बात करता है तो हम उसको मित्र मानते हैं, जो अहित की बात कर रहा है उसको हम शत्रु मानते हैं। अब पोस्टमैन आया मैसेज दे के गया, किसी का डेथ मैसेज दे गया या आपको मनी ऑर्डर दे गया, तो इसमें मनी ऑर्डर देगा तो बहुत स्वागत सत्कार करेंगे, तुम मरने की खबर लाए हो तो डांटे पटकारेंगे थोड़ी, उसी तरह से ये मानना चाहिए, तो मन बड़ा शांत रह सकता है। सनातन पंडित ये सिखा रहे हैं कि हम किसको दोष देंगे, किसी को दोष नहीं दे सकते, कर्म अमार मेरे कर्म। आमी कौन, अब यहां तो कैसे दूसरा है, आमी कौन किचु अपराध नहीं करी, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, आमी कौन किचु अपराध नहीं करी, मेहनत तो नहीं किया जहां तक हमको समझ में आ रहा है। अकारणे आदर छाड़ी गौर हरि, अकारण ही ये संबंध जो है ये गौर हरि ने क्यों छोड़ दिया। अंतरे जन्मील दुख, गौर हरि से संबंध होने जा रहा था, इतना खुश थे और अब गौर हरि कह रहे हैं कि हमको तो पता ही नहीं है। अंतरे जन्मील दुख करिल उद्गार, संतप्त हृदय कहे ब्राह्मणी तहार, उनकी जो पत्नी थी
उसने अपने पति को देखा कि कितना दुखी हो रहे हैं, वो आके उनको क्या देने लगी, प्रबोध। कुलजा सुलज्जा कुलवंती पतिव्रता सर्वगुणे शीले से विष्णु र भगता। जो उनकी पत्नी थी अच्छे कुल की थी, कुलजा और सुलज्जा बड़ी लज्जाशील थी, कुलवंती पतिव्रता सर्वगुणशील संपन्न। स्वामी दुख देखिया पाईला बड़ा दुख, पति का दुख देख करके बड़ी दुखी हुई और लज्जा परिहरी कहे स्वामी र सम्मुख। वहां तो और भी ब्राह्मण बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी कि क्यों ऐसा हो गया, तो अब सबके सामने आ गए अपने पति को सांत्वना देने के लिए और सब लज्जा छोड़ कर लज्जा परिहरी कहे स्वामी र सम्मुख। आपने से विश्वंभर ना करी ला कहा जाए, विश्वंभर ने सहमति नहीं दी ना, सहमति उसकी नहीं है, तुम्हारे की दोष है इसमें, तुम्हारा क्या दोष है, उसने मना किया, तुम मना करते तुम्हारा दोष था कि इतने अच्छे संबंध भगवान को अपनी कन्या देना, उससे तुमने मना कर दिया, भगवान ने मना किया इसमें तुम्हारा क्या दोष हो गया, भगवान तो परम स्वतंत्र है, जिसको चाहे ग्रहण करें जिसको चाहे ना करें। आपने से विश्वंभर ना करी लकाज, तुम्हारे की दोष है, दिव्य नदिया समाज है, नदिया का समाज तुमको क्यों दोष देगा, क्यों चिंता करता है, स्वतंत्र पुरुष प्रभु ये स्वतंत्र है, विश्वंभर ऐसे वैसे थोड़ी है, स्वतंत्र पुरुष प्रभु। पहले तो इन्होंने खुद मैसेज भेजा था कि मैं तो कृष्ण को अपनी बेटी दे रहा हूं, लेकिन वात्सल्य में अपनी पुत्री के वात्सल्य में प्रेम में ज्ञान विस्मृत हो जाता है, प्रेम में ज्ञान विस्मृत हो जाता है, तभी तो यशोदा मैया हमेशा कृष्ण की चिंता करती रहती है। प्रेम अगर ज्ञान का गोपन ना करे तो फिर यशोदा चाहे कालिया पिना, अरे कालिया पिना चलो कालिया मरा गोवर्धन उठा लिया, अरे उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगासुर भकासुर ठीक है, ज्ञान नहीं है केवल प्रेम है, वात्सल्य है। तो ज्ञान गया, मुख में ब्रह्मांड भी दिखा दे तब भी वो ज्ञान भी नहीं टिकता। भगवान ऐश्वर्य दिखाते हैं और बड़े बड़े ऐश्वर्य दिखाते हैं जो उन्होंने सृष्टि में कहीं ना दिखाए हों, तब भी प्रेम इतना प्रगाढ़ है ब्रिज के अंदर कि वही प्रधान रहता है, संबंध प्रधान रहता है, ज्ञान प्रधान हो ही नहीं पाता, ज्ञान की एंट्री ही नहीं हो पाती। और भगवान कभी कभी चेक करते हैं भक्तों, जैसे हम लोग यात्रा पे जाते हैं तो अपना सामान देखते हैं भाई ठीक से लॉक है कि नहीं, ये गत्ता है उसमें रस्सी बांधी है बंधी है कि नहीं, ठीक से चेक करते हैं एक दो बार तीन बार। ऐसे भगवान भी देखते हैं प्रेम प्रगाढ़ है कि नहीं, देखें ज्ञान दे करके विश्व रूप दिखा करके कि देखें ऐसा तो नहीं प्रेम थोड़ा कम हो जाता है ज्ञान के कारण, अभी सम्मान की भावना तो नहीं आ जा रही है, अरे मेरे बेटे के मुंह में पता नहीं क्या क्या दिखाई दे रहा है, ओ बुलाओ ब्राह्मणों को बुलाओ और स्वस्ति वाचन करवाओ, गाय की पूंछ लाओ घुमाएंगे ये करेंगे वो करेंगे, राई नून ये वो सब कुछ शुरू हो गया, बात से ज्ञान नहीं आता कितना ही दिखा दे। गोवर्धन के समय सबको ज्ञान हो गया था, 7 दिन लगातार देखा कृष्ण गोवर्धन उठाए बैठा, अब सब ग्वाले बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लगता है कोई देवता है, अरे देवता नहीं भगवान है, विष्णु विष्णु जो है वही कर सकते हैं ऐसे कार्य, अब ये सब होने लग गया। कह लगे हम लोग क्या सोचेंगे, चलते नंद बाबा के पास वो बताएं बड़े ज्ञानी हैं, तो उन्होंने ज्ञान अपना बताया, प्रबोध कराया। कह लगे तुम लोग नहीं जानते हो रहस्य की बात आज बता रहा हूं,
जब ये छोटे थे तुम लोग सब गए थे गैया चराने, और पीछे से गर्ग मुनि आए थे, उन्होंने इनका नामकरण किया, इनकी कुंडली देखी और बताया, क्या बताया, नारायण का इसके अंदर आवेश है, तुम्हारा ये पुत्र नारायण के समान होगा, इसकी देखभाल बड़े प्रेम से करना, ये तुम्हारे सब संकटों का हरण कर देगा, इसको खाली प्यार से रखो। नारायण के समान कहा था गर्ग मुनि ने, नारायण थोड़ी कहा था, तुम लोग बेकार चिंता कर रहे हो, ये नारायण नहीं है, कभी कभी नारायण आते हैं इसके शरीर के माध्यम से कुछ कार्य करके चले जाते हैं, तुम लोग अपना वात्सल्य इस पर बनाए, ये क्लास दिया सब शांत होगा कि हाँ नारायण का सम्मान कहा है, नारायण थोड़ी कहा है, इतने भोले भाले लोग। इसी बात से कन्विंस होते हैं, और ये बड़ा ज्ञान है इनके पास बाबा का, कितना प्रबोध करा रहे हैं, वो प्रेम का ही प्रबोध करा सकते हैं और कुछ नहीं। ब्रिजवासियों के गुरु तो यही है नंद बाबा, उनको ये शिक्षा दो तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तुम भगवान के नित्य दास हो, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं है उनको, तो प्रेम में जरा सी कमी आई तो गुरु बैठा हुआ है उसके प्रेम को वापस उसी पॉइंट पर ले जाने के। तो पत्नी कितनी इंटेलिजेंट है, समझा रही हैं कि स्वतंत्र पुरुष प्रभु सबार ईश्वर है, सबका कंट्रोलर है ये, ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि जहार किंकर है, ब्रह्मा रुद्र इंद्र इसके दास है, से जनक के मध्य हई में तुम्हारा जमाता, वो तुम्हारा जमाता बन जाएगा, तुमने सोच कैसे लिया, के मध्य हो गया कैसे हो जाएगा, शांत कर मन स्मर कृष्ण रवारता, कृष्ण का स्मरण करो शांत करो मन, कोई समस्या आए, इतनी बड़ी समस्या, लड़की की शादी भगवान से होने जा रही थी कैंसिल हो रही है, और शांत चित्त करो कृष्ण का नाम जपो, यानी कोई भी समस्या हो तो कृष्ण का नाम जपो, डेथ आ गई, दो दो हम लोगों ने उदाहरण देखे अभी, कृष्ण का नाम जपो, उसको भी कृष्ण का स्मरण कराओ तुम भी स्मरण, सोल्यूशन खाली एक, प्रॉब्लम भले वैरायटी हो लेकिन सोल्यूशन केवल एक, कृष्ण नाम हाय ते हाय जगत निस्तार, बस और कोई तरीका नहीं। स्वतंत्र पुरुष प्रभु सबार ईश्वर ब्रह्मा रुद्र इंद्र आदि जहार किंकर, से जनम केमते हमें तुम्हारा जमाता, शांत कर मन स्मर कृष्ण रवारता, कृष्ण कथा को स्मरण करो, शक्ति संभवे नहीं शोक अकारण, परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की शक्ति हमें कहां, हम कैसे बदलेंगे, तो फिर शोक आपका कारण है, यही बात गीता में भगवान ने कई बार कही, तस्मात अपरिहार्य अर्थ न तुम शोचित अर्हसि, जो चीज अपरिहार्य है जो तुम्हारी शक्ति के बाहर है उसमें क्यों शोक करते, कुछ नहीं कर सकते, शक्ति संभव नहीं शोक अकारण, बलिते डरान दुख घुचा एखन, मैं ऐसे वचन भी सब ब्राह्मण लोग बैठे उनके सामने बोलने में डरती हूं, लेकिन आप अपना निराशा को दूर कर दीजिए, इत एक वचन है जब तार प्रिया वैल, जब अपनी प्रिया से ही वचन सुने तो पंडित श्री सनातन दुख संभरी, दुख का सम्मान कर लिया, बांधव सहित यही युक्ति नहीं अड़ी ली, एक युक्ति निकाली इन्होंने अपने बांधवों की सलाह पर, अमर की दोष
विश्वंभर ना करी लो, विश्वंभर ने हमसे संबंध नहीं बनाया, इतनी देर क्या करती है। इहा बही आर किछु ना बली लवाणी, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं पा रहे, बार बार यही रिपीट कर, विश्वंभर ने रिजेक्ट कर दिया, मेरी क्या गलती है, क्या गलती है, क्या गलती है। तो सलाम मांग रहे, बताइए आप लोग क्या गलती हो गई हमसे। इहा बही आर किछु ना बली लवाणी, अंतरे दुखी तो हिला ब्राह्मण ब्राह्मणी, अंदर ही में दुखी हो गए दोनों लोग, भाई बेटी के विवाह कैंसिल हो जाए तो दुख तो होगा, और फिर विश्वंभर से हो तो कितना दुख होगा। अंतर चिंतित पुनः खेद उपजिल, जैसे ही उन्होंने इसके विषय में सोचा तो फिर निराशा घेरने लगी, खेद उपजिल, हा हा विश्वंभर देव मोरे लज्जा दिल, हे विश्वंभर आपने मुझे लज्जित कर दिया, कितना गर्व हो रहा था, कितना आनंद आ रहा था, तैयारी करने में कितना जुट गए थे। हा हा विश्वंभर देव मोरे लज्जा दिल, जय जय द्रौपदी लज्जा भय हारी, हे द्रौपदी की लज्जा और उसके भय को हरण करने वाले, जय जय गज के कुंभीर मुखे तारी, हाथी को मगरमच्छ के मुख से छुड़ाने वाले हे भगवान, पांडवेर परित्राण पांडवों का परित्राण करने वाले भगवान, रुक्मणी जीवन हे रुक्मणी के जीवन कृष्ण, जय जय अहल्यार दुष्कृति मोचन, अहिल्या को गौतम मुनि के शाप से मुक्त कराने वाले हे राम, सबसे प्रार्थना करने लगे कि आपने मुझे लज्जा प्रदान किया, बाकी सब की लज्जा भय शोक से दूर किया, मुझे आपने लज्जा प्रदान किया। ऐ मत बहु स्तव कैल विप्रवर, इस प्रकार से बहुत स्तुतियां की और जानी ल गौरांग प्रभु जगत ईश्वर है, गौरांग प्रभु सब जान गए, वो जगत के ईश्वर हैं। पहले वनमाली आचार्य ने प्रार्थना की थी कि आपने जो है वांछा कल्पतरु नाम रखा हुआ है, अब मेरी वांछा तो वांछा कल्पतरु नाम के मने राखी वो, कैसे रखोगे तुम अपना ये नाम, आज के बाद से तो हम घोषणा कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करते। बाकी एक बार श्रीवास पंडित को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुम गृहस्थ हो, पांच पांच भाई हो, कोई कुछ काम नहीं करता, तो गृहस्थ को कुछ काम करना चाहिए, कुछ आय का साधन गृहस्थ का तो होना चाहिए। तो श्रीवास हंसने लगे जोर जोर से, फिर उन्होंने क्या किया, तीन ताली बजाई खूब जोर जोर से, फिर हंसते जा रहे। महाप्रभु ने ये किया, ये क्या ताली बजा रहे हो, लेकिन पहली ताली मैंने इसने बजाई कि एक दिन अगर मैं भूखा रह गया तो सहन कर लूंगा और हंसता रहूंगा, दूसरी इसलिए बजाई कि दो दिन भूखा रह गया तो भी सह लूंगा, तीसरी तीन दिन भूखा रहूंगा तो भी आनंद में रहूंगा, सहन करता रहूंगा। बोले फिर चार क्यों नहीं बजाई, बोले चौथे दिन में एक मटका लूंगा, उसको अपने गले में बांध दूंगा, उसमें भर दूंगा पत्थर, गंगा जी में कूद जाऊंगा। चुपचाप रात के अंधेरे में जाकर के मैं गंगा जी में अपने प्राण दे दूंगा, तुम्हारी कंप्लेंट किसी से नहीं करूंगा, कोई तुम्हें कुछ कह जाए कि तुमने अपने भक्त का पालन नहीं किया, ये हमसे सहन नहीं होगा, हमारी तो मृत्यु हो जाएगी तीन दिन चार दिन नहीं खाएंगे तो मृत्यु आएगी आएगी।
लेकिन तुमको कोई कुछ कहे कि बोले भक्त वत्सल बनते हो, ये है वो है, जगत का पालन करने वाले, नहीं ये हमसे नहीं चाहते। तो भक्त लोग कभी भी भगवान के लिए ऐसे नहीं कहते, वो व्यापारी नहीं होते ना, प्रेम करते हैं, बदले में नहीं दिया नहीं दिया, स्वतंत्र भगवान पत्नी ने यही तो बताया। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारा जमाता बन गया है? वो स्वतंत्र भगवान है, माता ने कहा था ना, तो माता से बंधा है क्या? स्वतंत्र भगवान है, उसका जो मन करेगा वो करेगा, उसका मन नहीं है नहीं करेगा। बंधा तो है वैसे माता से। दोनों ही बातें हैं अभी स्पष्ट हो जाएंगी। तो पहले वनमाली आचार्य ने प्रार्थना की कि आप कैसे वांछा कल्प तरु नाम रखे हो कि आप भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हो, और शची माता ने तो मना कर दिया विवाह। उधर शची माता ने मना किया था, आपकी बार ये जो है कह रहे हैं किसका विवाह, कैसा विवाह, कल किसका दिवाज है, वर वधु कौन है बताओ तो सही, आप ये तो सहन ही नहीं हुआ। हम पंडित से कह रहे हैं मुहूर्त निकालो, पंडित कह रहे हैं लड़का तो ऐसे बोल रहा था जिसकी शादी है, किसका विवाह को पता था क्या? तो अभी इन दो घटनाओं से हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ी शिक्षा निकल के आ रही है कि जब भी कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान कहीं हो वो सुनते हैं। वनमाली आचार्य की बात सुनी, उनका दुख को दूर किया ना। अभी ये जो ज्योतिषी आए हैं मुहूर्त निकालने के लिए, इन्होंने सनातन गोस्वामी को कहा, सनातन गोस्वामी, सनातन पंडित दुखी हो गए, तो सनातन पंडित की प्रार्थना को फिर भगवान सुन रहे। गजेंद्र की प्रार्थना सुनी, हाथी की, मनुष्य की तो बात ही छोड़ो, प्रार्थना सुनते। द्रौपदी ने आधा नाम लिया, भगवान आ गए, लज्जा की रक्षा की, भगवान सुनते हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर का कहना है कि षडंग शरणागति हैवे जहार, आहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। नंद कुमार किसकी प्रार्थना सुनता है? षडंग शरणागति हैवे जहार, ये जो शरणागति के छह अंग हैं जिसमें ये पूर्ण रूप से विद्यमान है, उसकी हर प्रार्थना भगवान सुनते हैं। तो अब हमें कहां अपना अटेंशन पे करना चाहिए? हम शरणागत, शरणागत की प्रार्थना भगवान सुने। एक तो शरणागत को माया छोड़ देगी, मामे वही प्रपद्यन्ते, माया मेतांतरन्तिते, माया टच नहीं करेगी और भगवान प्रार्थना सुनेंगे, बात ही खत्म हो गई, सब कुछ हो गया, सारी चीज शरणागति पे अटक रही है। तू भी मेरा यह माना मैंने बार बार, तू भी मेरा मैंने माना यह बार बार, तू भी मेरा यह माना मैंने बार बार, तू भी मेरा मैंने माना यह बार बार, तू ही मेरा यह माना नहीं एक बार, तू ही मेरा यह माना नहीं एक बार, तू भी मेरा है, घर भी मेरा है, परिवार भी मेरा है, बच्चे भी मेरे हैं, पत्नी भी मेरी है, तुम भी मेरे हो। ये भी तो मैंने खूब लगाया, भगवान और जीव के बीच में एक ही लड़ाई चल रही है अनादिकाल से। भगवान कहते हैं माम एकम शरणम, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरे ही शरणागत हो। हम कहते हैं तुम्हारे भी होंगे, बस वो कहते हैं भी जब तक लगाए रहोगे नहीं आने देंगे, वो ही पेड़ हैं हम भी पेड़ हैं, बस जिस दिन ये भी की जगह हम ही कर दे, तू ही मेरा, बस फिर बात यही शरणागति है, तू ही मेरा।
कृष्ण अनेक बार कहा गीता में, तो ये तत्व समझना चाहिए। अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो, तुम दूसरे चिंतन क्यों करने लगते हो? संसार में सब लोग तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है, पति ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया अगर पत्नी बच्चों का चिंतन कर रही है, उनसे प्यार कर रही है, तुम उससे क्यों प्यार कर रही हो खाली हमसे करो। बच्चे कभी नहीं कहते कि तुम पिताजी से क्यों प्यार करती हो खाली हमसे करो। या सास से बहू प्यार करने लगे तो पति हड़काने लगे कि तुम जो सास से प्यार करती हो हमसे नहीं करते। सब देख देख के खुश होते रहते हैं, सच्ची माता मूर्छित होती रहती है देख के लक्ष्मी प्रिया की और विष्णु प्रिया की बातें। तो ये भगवान ही ऐसे क्यों है जिनको इतना स्वार्थ फंसा है कि बस तुम ही लगाओ, बस और किसी से मत करो प्यार, खाली हमसे करो। ये भगवान ऐसे क्यों है, इतने कठोर क्यों हो जाते हैं? हम कर रहे हैं, हम इतने लिबरल हैं, मेरा हृदय इतना विशाल है कि हमने उसके सामने सबको स्थान दे रखा है, तो इसमें तुमको क्या प्रॉब्लम है भाई? तुम कह रहे हो तू ही बस ही लगाओ, माम एकम शरणम भजे, ये क्यों? इसमें भगवान की दया छिपी है। क्या दया छिपी है? कि अगर भी करोगे तो माया से संबंधित वस्तु का चिंतन करोगे, त्रिगुणमयी माया, तो तीन गुणों में फिर फंस जाओगे। अनंत बार फंस चुके तुम ये भी के चक्कर में, तू भी ये भी वो भी, ये उदारता नहीं है, ये तो अवज्ञा है मेरी। मैं कह रहा हूं ही और तुम कह रहे हो भी, बात मान नहीं रहे हो, फंसे हो संसार में, अनंत जन्म कष्ट भोग चुके परंतु अभी भी वही गाड़ी अटकी है। रिकॉर्ड नहीं कहीं अटक जाता है, बार बार वही लाइन आती रहती है, तू भी मेरा तू भी मेरा। प्रारंभ में चलो ठीक है, साधना पकड़ी है, अभी साधन भक्ति से आगे बढ़ करके शरणागत हो करके अब तू ही मेरा ये तो करना पड़ेगा ना। अर्जुन भी तो आसक्त था प्रारंभ में गीता के, पितामह है, भाई है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, साले है, सबकी गिनती गिना रहा था ना, क्याला संबंधिनस्तदा एतान न हंतुम इच्छामि, मैं इनको मारने की इच्छा नहीं रखता हूं। ग्रंथों भी मधुसूदन है, ये हमको मार डालें तो भी ठीक है, हम क्यों ये पाप करें? भी लगा रहा है। किस चीज में भी लगा रहा है? कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, ये धर्म वो धर्म सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे। तो दो जगह शरणागति कर रहा है, एक तो धर्म में, दूसरा भगवान। भगवान से भी कह रहा है शिष्यस्ते हम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, और गीता के आखिरी में भगवान उसको उपदेश कह दे रहे हैं माम एकम शरणम भजे। तो जब प्रारंभ में उसने कह दिया प्रपन्नम तो वही गीता खत्म। अरे तुम प्रपन्नम हो, अगर कायदे से प्रपन्नम होता खड़े हो युद्ध करो, खत्म, कोई प्रवचन की जरूरत नहीं। हाँ प्रपन्नम है हम, जो आज्ञा होगी करेंगे, नहीं किया ये केवल मुंह से बोलना प्रपन्नम, ये थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकली प्रपन्नम नहीं था। लास्ट में बोला करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे वही करोगे, बस अब बात खत्म हो गई। भरमान परिते जब भगवान ने कहा कि हम तो आज सर्व पापे भी मोक्ष शिष्य हैं, तुम धर्म को छोड़ो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करूंगा। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, मेरे निमित्त कर रहे हो ना, मैं कह रहा हूं ना युद्ध करो तो तुमको लग रहा है पाप है, तो मेरे लिए अगर तुम पाप भी करोगे तो धर्म माना जाएगा, ये भगवान कह रहे हैं। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, और माम अनादृत्य मेरा अनादर करते हुए धर्मो अपि, और तुम धर्म करना चाहते हो, जाति धर्म कुल धर्म सब नाम गिना रहे हो, प्रवचन दे रहे हो अपना हमको। माम अनादृत्य धर्मोपि पापः स्यात्, वो पाप बन जाएगा तुम्हारा, जिस पाप से तुम बचना चाहते हो वही पाप तुम्हें लगेगा कि तुमने मेरी अवज्ञा की। माम अनादृत्य मेरी, मेरा अनादर करोगे तभी तो अवज्ञा करोगे,
मां मनादृत्य धर्मो भी पापा स्यात् मत प्रभावतः, मेरे प्रभाव से वो पाप बन जाएगा। मन निमित्तम कृतम पापम अपि धर्माय कल्पते, वो भी कैसे मत प्रभावतः, मेरा प्रभाव तो समझो। तो षडंग शरणागति हई बेजहार ताहन, प्रार्थना तो हम सब कर रहे हैं, आई नंदतम जो किं करम पतितम मां विषमे भवाम मुदौ, रोज कहते हैं भगवान से कृपया तो पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय, क्यों नहीं वो चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि शरणागति में कमी है, भी चल रहा है, सिर्फ एक अक्षर का अंतर है, भ और ह मात्रा भी वही है, इसकी लड़ाई अनादिकाल से चले, हम भी जिद्द पे अड़े तुमसे भी प्यार करेंगे, वो भी जिद्द पे अड़े मेरे ही शरणागत हो, ईगो से टकरा रहे लड़ते रहे। अरे बात मान, करिष्य वचनम तव, जैसे अर्जुन ने कहा, प्रभुपाद कहते हैं ये एग्रीमेंट करिष्य वचनम तव, ये आपको साइन करना ही होगा, इस जन्म में करो, 10 जन्म की बात करो, 100 जन्म की बात करो, 1 करोड़ जन्म की बात, लेकिन अगर सुखी होना है इस एग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा, आप जो कहोगे वही करोगे, सीधी सीधी बात, कोई दंड फंद नहीं, कोई घुमावदार बात नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। यही मतलब बहुस्तव कैल विप्रवर और जानी लग गौरांग प्रभु जगत ईश्वर, जान गए, तबे सकल कथा सुन विश्वभर, अब विश्वभर तक बात पहुंची, केने है न बैल दुख भाविल अंतर, इन स्तुतियों को सुनकर भगवान विश्वभर ने सोचा वो क्यों अपने हृदय में इस प्रकार का कष्ट और पीड़ा भोग रहे हैं, क्यों अपने हृदय को कष्ट दे रहे हैं लोग, पति पत्नी सब लोग मिल करके बंधुजन, हमारा भगत दो हैं दुख पाले चित्ते, मेरा भक्त होकर के दुख पा रहे हृदय में, और मैंने तो मजाक किया था, कौतुक के कही ना कथा हंसते हंसते, मैंने तो हंसते हंसते मजाक में कह दिया था, किसकी शादी, उसने भी हंसते हंसते कहा था हमसे, अरे कल तुम्हारी शादी है, तो ज्योतिषी मजाक कर रहा है, हम नहीं कर सकते, ये यथा मां प्रपत्ति देता तुम मुझसे मजाक करने आए, तो हमने भी तुमसे मजाक कर दिया, इतनी सी बात है, और ये दुखी हो रहे हैं बैठ के। तो प्रिय एक जन चलो वयस्कर माझे, दोस्तों के साथ जा रहे थे, उनमें से जो सबसे प्रिय मित्र था उसको बुलाया अपने साथ, निभृत कही रहे एकांत में ले गए उसको, बात सुनो तो तारे यत मन आचे, जो मन में था कह दिया, कोन कथा छले जाह पंडित तेरा घर, तुम किसी बहाने से सनातन पंडित घर जाओ, आमी नाही जानी कहियो आपना उत्तर, कृपया सनातन पंडित के घर कहिए, उनके साथ केवल बातचीत करने का अभिनय करना, मुझे नहीं मालूम वो क्या कहेंगे तुमसे, कौतुक रहस्य आमी, कौतुक रहस्य आमी गण के कहिल, मैंने ज्योतिषी से मजाक में कहा था किसकी शादी, कहाँ शादी, कौन वर वधू, कौतुक रहस्य आमी गण के कहिला, ना बुझिया कार्य केने अब हेलना कहिला, मैंने तो केवल परिहास किया था, जब मैंने ज्योतिषी को ये बतलाया मैं विवाह के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, तो आप इसमें चिंतित तो परेशान क्यों, कार्य अब हेलना ताहे नाही को अधिक से दोहार चित्ते दुख न है उचित, मैंने इस विवाह के लिए अस्वीकृति नहीं दी,
यह उचित नहीं है कि आप दोनों इस तरह से उदास हों। माए जे बलिल ताते की अच्छा कथा, माँ ने जो कह दिया उस पर कोई दूसरी बात मैं कहूंगा, हम भक्त पराधीन हो, माँ ने कह दिया बात खत्म है। तारो ऊपर आर के करे अन्यथा, उनकी बात को अन्यथा करने की पावर किसमें है, मैं तो नहीं कर सकता। तो मिछा कार्य, लेकिन इसको देखिए कैसे पॉजिटिवली लिया है उन्हें, स्वतंत्र भगवान है जो चाहे सो करे, हम कहाँ योग्य हैं। दैन्य भाव देखिए, नहीं नहीं माता ने कहा था, आप लड़का कैसे मना कर रहा है, लड़ने के लिए पहुंच गया है, ये तो कुछ नहीं। किसकी शादी, कहाँ शादी, कौन वर वधु, इतनी बात से इतना दुखी हो गया। तो कौन सी क्लियर बात है कि मैं शादी नहीं करूंगा, तो कहा ही नहीं। मिछा कहा जे माए जे बलिल ताते की आशा कथा, माँ के ऊपर फिर कौन कथा कहेगा अपनी, तार परे आर के करे अन्यथा, ये तो ब्रह्मा शिव में नहीं हिम्मत है कि मेरी माँ की बात काट दे, मैं कहाँ काट पाऊंगा। मिछा कार्य क्षति मिछा दुख भाव चित्त कर विभार कार्य से है उचित, करो करो विवाह की तैयारी करो। एते कर सिखाइया प्रभु ब्राह्मण पठाई ला, सनातन पंडित से सकल कहिल, सारी बात कह दी। हरि राम नारायण सचिर दुलाल हेम गोरा, मोर प्राण आरे गोरा चांद ना है, नारे हाय दूसरा कोई नहीं है, मेरे प्राण कौन है, गोरा चांद। तभी तो पंडित अति हर्षित मने, आप सनातन पंडित गद गद आनंदे करे शुभ दिन शुभ क्षण, अब ज्योतिषी का नाम निकालू मुहूर्त। ए था प्रभु गौर चंद्र ऐसा न जानिया, शुभ दिन करे घरे गण का आनिया। भगवान गौर द्वारा लिए गए निर्णय को जानने के पश्चात उन्होंने घर में ज्योतिषी को फिर से बुलवाया और शुभ दिन निकलवाया। चर्चिया करिल दिन समय विचित्र, शुभ काल शुभ लग्न तिथि सुनक्षत्र। अब विवाह का दिन समय तिथि नक्षत्र सब कुछ सुनिश्चित कर दिया गया। कौन सा दिन निश्चित हुआ है, कल का दिन है। विदाय गौर प्रेमानंदे हरी हरि बोल। आज की कथा यहीं तक, अब आनंद में ही कथा का विश्राम होना चाहिए। आनंद में है सब लोग, तैयारी चालू हो गई, आप लोग भी तैयारी शुरू करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे।